हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स अनराय वर्ल्ड मेडिसिन गॉड चैप्टर आठ सौ इक्यासी से आठ सौ नब्बे यह वध अवधारणा वास्तव में रहस्यमय है यह वास्तव में ऐसा है जैसे यह मेरे शरीर में अंकित है मेरे द्वारा स्वयं समझे गए सर्वोच्च सच्चे इरादों से ज्यादा अंतर नहीं है मेहर ने धीरे से अपनी आंखें खोली उसकी आंखों में हत्या का इरादा धीरे धीरे खत्म हो गया इन तीन दिनों के समय में वह लगातार वध सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ रहा था जो उसने अभी प्राप्त किया था मिहिर ने पाया कि इस वध सर्वोच्च सच्चे इरादे को स्वतंत्र रूप से जारी और वापस लिया जा सकता है वास्तव में इसमें जरा भी ठहराव का एहसास नहीं था वह इन रहस्यमय पहलुओं की प्रशंसा करते हुए आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका किसी भी मार्शल कलाकार के लिए अवधारणाओं की समझ में धैर्य और श्रमसाध्य कार्य शामिल होता है आसान रास्ता चुनने का संकेत भी स्वीकार्य नहीं था लेकिन यह वध अवधारणा एकमात्र सर्वोच्च सच्चा उद्देश्य था जिसे समझने की आवश्यकता के बिना समझा जा सकता था यह ठीक इसी वजह से था कि दिव्य क्षेत्र में इतनी सारी युवा प्रतिभाएं होंगी जो अराजक शैतान सागर में आईं और असुर क्षेत्र में प्रवेश किया इनमें से ऐसे बहुत से लोग थे जो पहले से ही एक सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ चुके थे एक और वध सर्वोच्च सच्चे इरादे को जोड़ने से छोटी अवधि के भीतर उनकी ताकत में पर्याप्त वृद्धि होगी लेकिन मेहर ने पाया कि यह वध अवधारणा कई मायनों में एप्सोल्यूट के टोकन से जुड़ी हुई थी ऐसा प्रतीत होता है कि यह अस्तित्व में रहने के लिए एप्सोल्यूट के टोकन पर निर्भर है ऐसा लगता है कि यह एब्सोल्यूट किल टोकन असुर एरिना के संचालन को रोकने वाला अंतर्निहित कानून था लेकिन क्या सचमुच ऐसी कोई अच्छी चीज थी इस एब्सोल्यूट किल टोकन को लेकर मेहर को एक अजीब सी अनुभूति होती रही लेकिन जहां तक यह विशेष रूप से अजीब था वह इसका भी पता नहीं लगा सके उन्होंने पहले एक बार एब्सोल्यूट किल टोकन की जांच के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया था परंतु अनौचित्य का कोई चिन्ह न मिल सका हालांकि इस सर्वोच्च सच्चे इरादे के बारे में जो व्यावहारिक रूप से मुफ्त में उठाया गया था मेहर को अभी भी कुछ संदेह बने रहे वध की अवधारणा हासिल कर ली लेकिन मेरे पास अभी भी इसकी बराबरी के लिए मार्शल तकनीक की कमी है ऐसा लगता है जैसे मुझे फिर से असुर शॉप की यात्रा करनी होगी मेहर को एक बार फिर असुर दुकान में प्रवेश करते देख उसकी अगवानी करने वाली अभी भी पिछली बार की महिला परिचर थी बस इस बार वो बहुत गर्म हो गई थी सी इन दूसरे स्तर पर सभी नायकों पर हावी होने के लिए सर को बधाई देता है क्या सर इस बार वध मार्शल तकनीक का चयन करने आए थे महिला परिचर ने कहा मिहिर को बड़ा आश्चर्य हुआ जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला ने वास्तव में उसके आने के इरादे का अनुमान लगाया था मिहर के विचारों को स्पष्ट रूप से देखते हुए सी इन ने कहा आमतौर पर मार्शल कलाकार जो अभी अभी चार सितारा आत्मा जनरल बने हैं वे सभी मार्शल तकनीक चुनने के लिए असुर शॉप में आएंगे तभी मिहर को एक एहसास हुआ उन्होंने कहा तो क्या आपके यहां कोई प्रभावशाली मार्शल तकनीक है वहां स्वाभाविक रूप से है लेकिन दुर्जे मार्शल तकनीकें सभी आंतरिक मंडप में रखी गई हैं बात बस इतनी सी है यहां तक बात करते हुए सी इन एक पल के लिए भी झिझकने से खुद को रोक नहीं सका आप चिंतित हैं कि मेरे अंक पर्याप्त नहीं हैं मिहर ने आश्चर्य से कहा चूंकि महिला परिचारक को पता था कि लूलिचेंग के साथ उसका अंक जुआ मुकाबला था इसलिए संभव था उसे पता होना चाहिए कि उसके पास कितने अंक थे अभी उसके हाथ में चालीस अंक थे वास्तव में मार्शल तकनीक का एक सेट खरीदना पर्याप्त नहीं था महिला परिचारक ने सिर हिलाया और कहा साधारण मार्शल तकनीक मेरा मानना है कि सर उन्हें पसंद नहीं करेंगे स्लॉटर कॉन्सेप्ट की वास्तव में शक्तिशाली मार्शल तकनीकों के लिए कम से कम अस्सी अंकों की आवश्यकता होती है उन और भी अधिक शक्तिशाली तकनीकों के लिए दो से अधिक अंकों की आवश्यकता होती है मिहिर ने भी जब यह सुना तो वह ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका एक मार्शल तकनीक इतनी भयावह कीमत पर बिक रही है यह भी बहुत बेतुका था है ना पहले मुझे देखने के लिए अंदर लाओ मिहिर ने शांत स्वर में कहा सी इन के पीछे पीछे भीतरी मंडप में मेहर भी डर के मारे कूद पड़ा वध अवधारणा से संबंधित मार्शल तकनीकों की वास्तव में टेयर सात से टीयर नौ तक कई दर्जन प्रतियां थीं लेकिन एक बात थी इन सभी मार्शल तकनीकों की कीमतें बहुत अधिक थीं यहां तक कि सबसे घटिया टीयर सात मार्शल तकनीक की कीमत भी बीस से तीस अंक तक पहुंच गई जहां तक टीयर नौ मार्शल तकनीकों का सवाल है वे मूल रूप से पचास बिंदुओं पर शुरू हुई मेहर ने एक नजर घुमाई लेकिन उसकी नजर ठीक बीच में एक मार्शल तकनीक पर रुक गई क्या इस वध तलवार कला की कीमत कुछ ज्यादा ही बेतुकी नहीं है हां मेहर ने इस मार्शल तकनीक की ओर इशारा किया और अवाक होकर बोला स्लॉटर्स वर्ड आर्ट नाम की इस मार्शल तकनीक को वास्तव में भयानक पांच सौ अंकों की आवश्यकता थी सीयिन ने मुस्कुराते हुए कहा यह वध तलवार कला हमारी असुर दुकान का सर्वोच्च भंडार खजाना है ऐसा कहा जाता है कि चरम सीमा तक विकसित की गई यह मार्शल तकनीक दस महान दिव्य राजाओं के बराबर भी हो सकती है क्या सर को नहीं लगता कि यह इस कीमत के लायक है सुनकर मेहर भी दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सका यदि कोई मार्शल तकनीक दस महान दिव्य राजाओं के स्तर तक पहुंच सकती है तो पांच सौ अंक तो भूल ही जाइए एक हजार अंक भी महंगे नहीं माने जाते थे बात सिर्फ इतनी थी कि ये शब्द एक छोटी सी महिला परिचारिका के मुंह से निकल रहे थे इसमें कितनी विश्वसनीयता थी दस महान दिव्य राजा हु पूरे अराजक शैतान सागर में क्या दस महान दिव्य राजाओं के प्रतिद्वंद्वी अस्तित्व हैं मिहर ने मुस्कुराते हुए कहा वह मुस्कान नहीं थी सी ने हल्की सी मुस्कान के साथ मिहिर की ओर देखा और कहा दिव्य क्षेत्र में न जाने कितने दिव्य राजा हैं लेकिन जो लोग दस महान दिव्य राजा बनने में सक्षम हैं वे आखिरकार केवल दस लोग ही हैं मार्शल तकनीक चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो इसमें प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति का भी मजबूत होना जरूरी है अन्य लोग दस महान दिव्य राजाओं की सीमा तक खेती नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि सर भी नहीं कर सकते क्या आप सहमत नहीं हैं सर सीयिन ने बात खत्म की और पाया कि मेहर की नजर इस समय सीधे उसी पर थी उन्होंने आधी मुस्कान के साथ कहा ऐसा लगता है मिस को मुझसे इस मार्शल तकनीक को विकसित करने की बहुत उम्मीद है सी यिन के दिल में घबराहट की एक रेखा उभर आई उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने यह लड़का वास्तव में इतना संवेदनशील होगा एन बिल्कुल नहीं यह सिर्फ सर ने पूछा है यह नौकरानी सिर्फ सर के सवाल का जवाब दे रही है सी यिन ने जल्दी से कहा अरे अगर तुम्हारे पास जाल भी है तो मुझे मेहर को क्या डर है यह साधना विधि मुझे चाहिए लेकिन क्या मिससी इन मुझे सिखा सकती है कि और भी अधिक अंक कैसे प्राप्त करें या नहीं मेहर ने कहा मेहर ने खेती की सभी विधियों को देखा बहुत स्पष्ट रूप से यह वध तलवार कला उसके लिए सबसे उपयुक्त थी मेहर को महसूस हो रहा था कि इस असुर अखाड़े के पीछे कुछ बड़े हाथ गुप्त रूप से हेरफेर कर रहे हैं भले ही यह वध अवधारणा हो या मार्शल तकनीक यह सब एक जाल हो सकता है लेकिन अपने हाथ की हथेली में इतनी सारी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ करने में सक्षम होना इसके पीछे निश्चित रूप से एक धरती हिला देने वाली साजिश थी मेहर के लिए शांति से सौहार्दपूर्वक रहने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था यदि दूसरे पक्ष की नज़र उस पर न हो और वह उस पर कुछ चाले खेलना चाहता हो तो वह थोड़ी सी भी विनम्रता के बिना उसे जैसे का तैसा लौटा देगा हालांकि मेहर को लगा कि यह उचित नहीं है फिर भी वह ताकत के लिए अत्यधिक लालायत था मेहर के लिए एक और सर्वोच्च सच्चा इरादा स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसकी वह कामना करता था उसका अराजक शैतान सागर में आना एक और यह दिव्य पत्थर की खातिर था दूसरा इस सर्वोच्च सच्चे इरादे के लिए था अब जबकि उसके सामने नौ सूर्यों के जलते हुए स्वर्ग के बराबर एक स्वर्ग विरोधी मार्शल तकनीक रखी हुई थी मेहर का यह कहना कि वह हिल नहीं रहा था नकली था सी इन मन ही मन ठंडी हंसी असुर अखाड़ा इतने वर्षों से अस्तित्व में है प्रतिभाशाली सिर्फ आप अकेले नहीं हैं स्वयं के बारे में अनावश्यक रूप से ऊंची राय रखना प्रतिभावानों के लिए एक सामान्य असफलता है अंत में आप अभी भी सत्ता के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते अंक प्राप्त करने के कई तरीके हैं लेकिन एक बात है वह है असुर अखाड़े में कुछ योगदान करना मैंने सुना है कि सर के पास हेबनलीसी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल है यदि सर इसका कब्जा असुरा शॉप को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं तो हम इसे पचास पॉइंट की कीमत पर खरीदने को तैयार हैं सीयिन ने कहा मिहिर ने आश्चर्य प्रकट नहीं किया उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा सिर्फ हेवनली सी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल से काम चल जाएगा तो फिर अगर मैं अन्य औषधीय गोलियों को परिष्कृत करूं तो क्या इसे अंकों के बदले भी बदला जा सकता है सीएन ने कहा यह इस बात पर निर्भर करना होगा कि सर किस प्रकार की औषधीय गोलियां परिष्कृत करते हैं यदि यह स्वर्गीय सागर स्पिरिट ब्रिमस्टोन की तरह है तो आपके पास जितने भी हैं हम उतने ही चाहते हैं क्या वह सच है सीएन को यह समझाते हुए सुनकर मिहर की आंखें भी चमक उठी सीएन ने मुस्कुराते हुए कहा क्या मैं सर से झूठ बोलूंगा इस प्रकार की कम आपूर्ति वाली औषधीय गोलियां तीसरे स्तर के सामने वाले प्रतिभावानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं हम पचास पॉइंट की कीमत पर खरीदारी करते हैं लेकिन हम इससे भी अधिक कीमत पर बेच सकते हैं यह सुनकर मिहर भी मुस्कुराया और बोला उहू तुम सब में वास्तव में एक व्यापारी के आंतरिक गुण हैं ठीक है, है चूंकि यह मामला है हम बाहर जाकर बात करेंगे बात खत्म करके मिहर दाहिनी और घूमा और भीतरी मंडप से बाहर निकल गया सी इन को आश्चर्य हुआ लेकिन फिर भी वह उसके पीछे चला गया मेहर पॉइंट क्षेत्र में आया एब्सोल्यूट किल टोकन और हेवनली सी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल को पुनः प्राप्त किया और उन्हें सी यिन को सौंपते हुए कहा व्इट के लिए हेवनली सी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल का आदान प्रदान करने में, में मेरी मदद करें साथ ही एब्सोल्यूट किल टोकन में 40 अंक कुल 90 अंक इन सभी को टियर सात स्पिरिट दवाओं में बदल दें मेहर की शक्ल बिल्कुल उस रईस की तरह थी जो बड़ी रकम खर्च कर रहा हो अतुलनीय रूप से उदार जब सी यिन ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी और अचंभित होकर बोली क्या सर इस पर थोड़ा पुनर्विचार करना चाहते हैं हालांकि औषधीय गोलियां अधिक अंकों के लिए विनिमय कर सकती हैं ये सभी स्पिरिट दवाएं बहुत मूल्यवान हैं औषधीय गोलियों में शोधन करना भी अत्यंत जटिल और कठिन है सफलता दर अधिक नहीं है सर भले ही आप उन सभी को खर्च कर दें फिर भी यह नब्बे अंक वापस अर्जित नहीं कर पाएंगे कीनियागरों के लिए सफलता दर एक बहुत बड़ी समस्या थी विशेष रूप से हेवनलीसी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल जैसी औषधीय गोली शोधन की कठिनाई बहुत अधिक थी सी इनके विचार में भले ही मेहर वास्तव में एक कीनियागर था एवंली सी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल को परिष्कृत करने में निश्चित रूप से कई सामग्रियां खर्च होंगी साथ ही मेहर के पैसे को पानी की तरह खर्च करने के रवैये के कारण सी सीयेन को गलती से यह सोचना बहुत आसान था कि मेहर का जन्म किसी बड़े कुलीन परिवार में हुआ था इसलिए उसने चेतावनी देने के लिए आवाज उठाई लेकिन मेहर ने बिना किसी परवाह के कहा मिस सी सीयन को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह ये अंक भी आसानी से प्राप्त हो गए अगर यह बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सबसे बुरी स्थिति से भी बदतर स्थिति आ जाती है जब मैं तीसरे स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अंक जुआ लड़ाई के लिए कुछ और लोगों को ढूंढ लूंगा जब सी इन ने यह सुना तो वह अवाक रह गई अंक जुए की लड़ाई का इतनी आसानी से उल्लेख करने के लिए शायद उसके सामने सिर्फ यही एक था मेहर के उदासीन रवैये को एक समय लोगों ने मूर्खतापूर्ण माना था लेकिन वास्तविकता ने साबित कर दिया कि उसके पास वास्तव में एक स्तर को कुचलने की ताकत थी सी यिन को इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि अगर मेहर तीसरे स्तर पर भी चला गया तो भी उसकी ताकत अग्रिम पंक्ति में होगी चूंकि मेहर ने पहले ही ऐसा कहा था सीयिन कुछ और नहीं कह सका वह केवल हेवनली सी स्पिरिट ब्रिमस्टोन पिल को पॉइंट्स में बदलने में उसकी मदद कर सकती थी पर्पल क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसेंग गहरा ठंडा आइस सोलफल आइसफलेन गहरा सॉवरेन गैनोडर्मा मेहर ने स्पिरिट मेडिसिन के नामों की एक लंबी श्रृंखला का उच्चारण किया जैसे वह डिश के नाम बता रहा हो सीयिन वास्तव में मेहर के पीछे अपनी गति बरकरार नहीं रख सका किसी को यह स्वीकार करना होगा कि इस असुर दुकान में वास्तव में काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं कुछ स्पिरिट औषधियां बाहरी दुनिया में पाना बहुत कठिन था इस जगह पर वास्तव में वह सब कुछ था जो कोई चाह सकता है बात सिर्फ इतनी थी कि इन स्पिरिट दवाओं का भंडार सीमित था उनमें से बहुत से लोग औषधि भून के केवल दो से तीन भाग ही निकाल पाते थे और यहां तक कि केवल एक भाग ही निकाल पाते थे इसके साथ ही इसने कीमियागर पर अत्यधिक मांग रख दी लेकिन मेहर के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था यहां तक कि टीयर नौ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में उनकी सफलता दर भी आश्चर्यजनक रूप से ऊंची थी टीयर सात औषधीय गोलियों का तो जिक्र ही नहीं किया गया यह सब उनके बेहद ठोस बुनियादी कौशल के कारण था अंत में मेहर ने स्पिरिट दवाओं के तीस से अधिक स्टॉक खरीदे जिससे सी इन देखकर अवाक रह गया यह महज पैसे से लबालब एक मूर्ख व्यक्ति का उदाहरण था स्पिरिट दवाओं के तीस से अधिक डंठलों के बदले में नब्बे अंक लेना चाहे कोई इसे कैसे भी देखे यह भी एक बहुत ही मंद व्यवहार था सर ये सभी स्पिरिट दवाएं हैं जो आप चाहते हैं यह सब स्टोरेज रिंग के अंदर है जांच करो सी सीयिन ने मिहर को एक स्टोरेज रिंग दी और कहा जांचने की कोई जरूरत नहीं है मिस सी सीयिन बहुत सुंदर है क्या आप अब भी मुझसे झूठ बोलेंगे मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा सी सीयिन का चेहरा लाल हो गया और वास्तव में एक युवती का संकोची रवैया प्रकट हुआ किसी को आश्चर्य होगा कि क्या उसके अधीनस्थ इस स्थिति को देखकर एक साथ सीयिन के अद्भुत अभिनय कौशल की प्रशंसा करेंगे या नहीं ठीक इसी समय मिहिर को अचानक एब्सोल्यूट के टोकन गर्म होता हुआ महसूस हुआ उसके दिमाग में एक संदेश प्रसारित हुआ ए पहले से ही लड़ाई के लिए जा रहे हैं यह वास्तव में उस लेंग किंग के साथ है मेहर ने मुंह बनाते हुए कहा सी इन ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा जैसे ही आपके बैनर फहराए जाएंगे मैं सर को विजय जीत की कामना करता हूं मेहर जोर से हंसा और बोला बिल्कुल है इस आदमी में, में मेरे साथ अंकों का जुआ लड़ने की हिम्मत नहीं है और वास्तव में अभी भी वह मुझे उसके साथ लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए इस तरह के घृणित साधनों का उपयोग करने की हिम्मत कर रहा है मुझे उसे तब तक पीटना होगा जब तक उसकी मां भी उसे पहचान न ले जब मेहर लड़ाई के मैदान में पहुंचे तो स्टैंड पहले से ही पूरी तरह से भरे हुए थे एक अपस्टार्ट और दूसरे स्तर के अनुभवी के बीच का मुकाबला भारी मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए नियत था स्टैंड पर एक बार फिर एक बुजुर्ग और एक युवा दिखे फिंग शाओ आपको क्या लगता है कि इस मैच में लिंगकिंग की जीत की संभावना क्या है युवक ने अपना सिर हिलाया और कहा ओल्ड जू हालांकि हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी लिंकिंग के खिलाफ नहीं जीत सकते फिर भी मुझे लगता है कि वह मेहर का मुकाबला नहीं कर सकता है वह मुझे ऐसा नहीं लगता लिंकिंग ने उस दिन भी उस लड़ाई को स्पष्ट रूप से देखा है शायद उसमें अभी भी कुछ आत्मविश्वास है क्योंकि उसने मेहर को चुनौती देने के लिए मंच पर जाने की हिम्मत की है बात सिर्फ इतनी है कि यह आश्वासन कितना है यह कहना मुश्किल है ओल्ड जू ने कहा युवक ने ओल्ड जू की ओर देखा लेकिन और कुछ नहीं कहा जैसे ही मेहर की नज़र लेंगक्विन पर पड़ी उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई तुम यह आदमी वास्तव में मेरे साथ साजिश रचने की हिम्मत कर रहे हो तुम मर रहे हैं लेंगक्विन ने शांति से कहा आपके पास जो भी क्षमताएं हैं बेझिझक उनका उपयोग करें जैसी आपकी इच्छा मेहर अचानक भड़क उठा पलक झपकते ही लेकिनंग के सामने एक मुठ्ठी आ गई मेहर की मुठ्ठी गायब होने से लेंग की अभिव्यक्ति बदल गई यह चाल फिर बूम मेहर के एक मुक्के ने लड़ाई के मैदान की भव्य व्यू पर तब तक प्रहार किया जब तक वह कांपने नहीं लगा ग्रैंड ग्रैंडस्टैंड से अनायास ही विस्मयादिबोधक की लहरें आने लगी हे hey भगवान मैं पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गया हूं अगर यह मुक्का मेरे शरीर पर लगता तो शायद मेरा पूरा शरीर खत्म हो जाता बहुत शक्तिशाली इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लूलिचेंग को उसकी शक्तिशाली शक्ति के बावजूद भी उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था पिछले मैच में सारी ताकत अकेले लुलिचेंग को मिली थी इसलिए उन्हें मेहर के मुक्के की भयावहता का एहसास नहीं हुआ लेकिन इस बार इसका असर भव्य व्यू पर साफ नजर आया तब जाकर उन्हें पता चला कि यह मुक्का कितना भयानक था हालांकि अंत यह मुक्का फिर भी चूक गया लिंग वास्तव में मेहर के इस अपरिहार्य मुक्के से बच गए जब से मेहर ने वॉयड ड्रैगन शैडो पंच में महारत हासिल की तब से यह पहली बार था जब उसके विरोधियों ने उसे चकमा दिया था इससे उसे अनायास ही कुछ आश्चर्य भी हुआ हवा की अवधारणा मिहिर ने इसे समझ लिया लिंकविंग के मुक्के से बचने का कारण यह था कि दूसरे पक्ष ने हवा की अवधारणा को समझ लिया था इसके अलावा यह स्पीड सुप्रीम सच्चा इरादा भी था गति सर्वोच्च सच्चा आशय और पवन प्रवाह सच्चा आशय मिहिर द्वारा समझे गए दोनों हवा की अवधारणाओं से संबंधित थे लेकिन जिन विशेषताओं का अनुसरण किया गया उनमें एक दूसरे के साथ कोई समानता नहीं थी स्पीड सुप्रीम ट्रू इंटेंट को समझने से मार्शल आर्टिस्ट अन्य लोगों की पहुंच से कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है स्वर्ग के नीचे असंख्य नियम केवल गति है अखंडित लेंगकिंग के माथे के केंद्र में छह सितारे थे उनकी वध अवधारणा वास्तव में लू लिचिंग से भी एक पायदान ऊपर थी दो प्रकार के सर्वोच्च सच्चे इरादे सटीक रूप से थे जहां दूसरे स्तर पर अजय होने का उनका आत्मविश्वास निहित था इतना खराब भी नहीं तुम सच में बहुत मजबूत हो अगर मुझमें थोड़ा भी आत्मविश्वास नहीं होता तो मैं आपको चुनौती देने के लिए मंच पर आने की हिम्मत कैसे कर पाता लेंग किंग ने कहा मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा तो क्या हुआ अगर दो तरह के सर्वोच्च सच्चे इरादे तूने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस किया है मैं तुम सबको वैसे ही पीटूंगा हवा आंदोलन छाया मार डालो नेदरवल्ड हंड्रेड किल से ब इस बार पहल हासिल करने के लिए लेंग किंग ने पहला प्रहार किया उनकी प्रारंभिक चाल दो शक्तिशाली सर्वोच्च सच्चे इरादे वाली मार्शल तकनीकें थीं तीव्र गति से चरम गति की तकनीक और बेजोर कृपाण कला दोनों ने लोगों को एक अविश्वसनीय दृश्य प्रभाव अनुभूति दी लेंग किंग ने अपना अंतिम कदम उठाया इस दूसरे स्तर में कितना समय हो गया है जब कोई उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकता है इसके साथ कोई अंत मेहर के लिए खतरा पैदा कर सकता है है ना आखिरकार तीसरे स्तर पर रखे जाने पर भी लिंग क्विन की ताकत काफी अच्छी होगी यह मेहर बहुत घमंडी है मैं देखना चाहता हूं कि अगर वह लिंगकिंग की चरम गति तक तेज गति से नहीं चल पाता है तो वह अभी भी कैसे अहंकारी होगा लेकिन उस एक बुजुर्ग और एक युवा ने ग्रैंडस्टैंड पर लगातार अपना सिर हिलाया यह विंड मूवमेंट शैडो केल वह मार्शल तकनीक थी जिसे लेकर उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था स्पीड सुप्रीम ट्रू इंटेंट के साथ मिलकर लिंकिंग कल्पना से परे तेज था लेकिन वे जानते थे कि मेहर के पास अभी भी मूल चुंबकीय क्षेत्र है जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया है यह गति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था लेंग किंग की आकृति अचानक फूट पड़ी और सीधे सभी की आंखों के सामने से गायब हो गई लेकिन हर कोई जानता था कि ऐसा नहीं था कि वह गायब हो गया था बल्कि वह तब तक तेज था जब तक कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था टकराना सभी ने लेंग किंग को अपनी आकृति प्रदर्शित करते हुए पीछे की ओर उड़ते हुए और भव्य सरणी पर जोर से पटकते हुए देखा इसके बाद मिहिर आगे बढ़ा और लेंग किंग की दिशा में उसका पीछा किया लू लिचेंग की तुलना में लेंगकिंग की ताकत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत थी हालांकि उन्हें एक मुक्का झेलना पड़ा लेकिन उन्होंने युद्ध क्षमता नहीं खोई मिहिर को पीछा करते देख वह बहुत घबरा गया और उसने मिहिर का पीछा करने से बचना चाहते हुए जल्दी से अपनी चाल तकनीक का प्रयोग किया मिहिर हंसा और मुस्कुराया भागना चाहते हो यह इतना आसान कैसे हो सकता है उत्पत्ति चुंबकीय क्षेत्र की तैनाती ऐसा लगा जैसे लिंक्विंग एक दलदल में गिर गया उसकी गति में भारी गिरावट आई टकराना एक और मुक्का लेकिन लिंक्विंग की गति वास्तव में बहुत तेज थी बमुश्किल अपंग होने से बचने से पहले उसने मिहिर की अधिकांश ताकत को टाल दिया मिहिर के एक मुक्के की ताकत सचमुच बहुत डरावनी थी ग्रैंडस्टैंड पर मार्शल कलाकार पहले से ही आश्चर्य से गूंगे हो गए थे लड़ाई के मैदान में एक ने पीछा किया और एक ने भाग लिया यह बिल्कुल लड़ने जैसा नहीं है यह बिल्कुल चूहे बिल्ली का खेल जैसा था निंदनीय बात यह थी कि जिसका पीछा किया जा रहा था वह दूसरे स्तर का नंबर एक व्यक्ति लिंगक्न था इस दृश्य ने लोगों को गंभीर रूप से बहुत विचलित महसूस कराया क्विंग की ताकत स्पष्ट रूप से लू लिचिंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी लेकिन मेहर का सामना करते हुए उसे इसी तरह तब तक पीटा जाता रहा जब तक कि वह अपना सिर नहीं उठा सका इस आदमी की ताकत सचमुच हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी मैं मानता हूं यह एक आसमान लड़ाई थी और लंबे समय तक जारी रहने में असमर्थ थी सिवाय इसके कि लिंकिंग को अब अपनी सांसें थामने का मौका ही मिला और उसने हार स्वीकार करने के लिए शब्द कहे लिंकिंग द्वारा हार स्वीकार करने के बाद उसकी वध अवधारणा मेहर के शरीर की ओर प्रवाहित हुई छठा तारा एकदम से बहुत धुंधला हो गया सोल जनरल का पद जितना ऊंचा होगा हार के बाद वध की अवधारणा उतनी ही अधिक खो जाएगी देखते ही देखते मेहर के माथे का चौथा तारा चमक उठा एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पांचवां तारा दिखाई देने लगेगा इस समय लेंग क्विंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व टुकड़ों में गिरने की कगार पर था ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां सिर से पाव तक चोट न लगी हो भले ही उसकी इच्छाशक्ति दृढ़ थी फिर भी वह तब तक घायल था जब तक उसने इस समय दर्द से अपना चेहरा टेढ़ा नहीं कर लिया इंदया दिखाने के लिए भाई ये को बहुत धन्यवाद लेंककिंग ने ठंडी सांसें लेते हुए कहा मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा आप और लू लूलिचिंग अलग हैं तुम्हारा अपराध मृत्युदंड के योग्य नहीं है तू गैंग और लू लूलिचिंग ने स्पष्ट रूप से मिहिर के प्रति हत्या के इरादे को जन्म दिया इसलिए मेहर ने बिना किसी विनम्रता के उन्हें बेरहमी से काट दिया हालांकि लेंगक्विंग ने मेहर को उसके साथ लड़ने के लिए मजबूर किया मेहर को एहसास हुआ कि वह केवल लड़ाई के माध्यम से खुद को संयमित कर रहा था इन सबके बीच एक बुनियादी अंतर था ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने मेहर को अपनी जान बख्शने में कोई आपत्ति नहीं थी बात सिर्फ इतनी थी कि लेंगक्विंग की सम्मोहक पद्धति ने मेहर को कुछ हद तक अप्रसन्न कर दिया था इसीलिए वह सजा देने के लिए कदम उठाएगा मंच पर मौजूद लोग बहुत पहले ही स्तब्ध रह गए थे सदैव विजी लेंककिंग वास्तव में पूरी तरह से हार गया था इससे पहले कि वह भाग्य से अपनी जान बचा पाता उसे मेहर की दान की भी आवश्यकता थी तीसरे स्तर का स्वर्ग ज्ञानोदय वास्तव में इस हद तक चुनौतीपूर्ण था असुर अखाड़े में यह अत्यंत दुर्लभ चीज थी कम से कम उन्होंने ऐसी घटना पहले तो नहीं देखी थी यहां तक कि दूसरे स्तर का सबसे मज़बूत लेंककिंग मेहर का पराजित प्रतिद्वंद्वी बन गया मेहर ने स्वाभाविक रूप से तीसरे स्तर तक आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त की लेकिन मेहर को कोई जल्दी नहीं थी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वध तलवार कला के बदले पर्याप्त अंक प्राप्त करना था लिंग किंग के साथ लड़ाई के बाद मिहिर तुरंत एकांत में चले गए और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया पांच दिन बाद मिहिर एकांत से बाहर निकला और सीधे असुर की दुकान पर गया जब मिहिर ने सी इन के सामने नौ छोटी बोतलें रखी तो उसका मुंह एक गोलाकार आकार में खुल गया और वह बहुत देर तक होश में नहीं आई मिहिर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा मुंह इतना बड़ा है कि इसमें पहले से ही मुट्ठी भरी जा सकती है सी इन बेहोश हो गई और अंत अपने होश में वापस आ गई इस बार उसकी हैरान करने वाली अभिव्यक्ति दिखावती नहीं बल्कि वास्तविक आश्चर्य थी मेहर ने कुल तीस ओवर स्पिरिट दवाएं खरीदी और वास्तव में पूर्ण औषधीय गोलियां परिष्कृत की बेशक अगर वह जानती थी कि मेहर ने जो परिष्कृत किया वह सिर्फ़ नौ से बहुत दूर था तो कौन जानता था कि वह क्या सोचेगी ज़ाहिर तौर पर मेहर उसे यह नहीं बताएगा कि उसकी गोलियों को परिष्कृत करने की सफलता दर सौ प्रतिशत थी यह सिर्फ इतना था कि इस डर से कि यह अत्यधिक चौंकाने वाला होगा उसने केवल नौ औषधीय गोलियां निकाली में मेहर पांच दिनों तक एकांत में था और उसने कुल अठारह टीयर सात औषधीय गोलियों का शोधन किया वे सभी चरम स्तर की सात औषधीय गोलियां थीं और जो कुछ उसने निकाला वह उसका आधा ही था जो उसने परिष्कृत किया था बाकी औषधीय गोलियां आप बस उन्हें पचास पॉइंट के दाम के हिसाब से खरीद लीजिएगा जहां तक इस सेवन एपर्चर एक स्क्विजिट पिल का सवाल है मुझे लगता है कि 150 पॉइंट की कीमत महंगी नहीं मानी जाती है है ना मिहिर ने शांत स्वर में कहा सीयिन ने यंत्रवत अपना सिर हिलाया अचानक कुछ याद करते हुए उसने पूछा ये ये औषधीय गोलियां आपके द्वारा परिष्कृत की गई थीं आपको बस उन्हें प्राप्त करने की परवाह करनी है जहां तक यह बात है कि यह मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है या नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ता है मिहिर ने कहा सीयिन का प्रश्न बहुत ही नौसिखिया था औषधीय गोलियां लाने वाले विक्रेता से इसकी उत्पत्ति कहां से हुई इसके बारे में तर्कसंगत रूप से बहुत अधिक नहीं पूछना चाहिए लेकिन सीयन अभी बहुत सगमे में था इसके अलावा इन औषधीय गोलियों को स्पष्ट रूप से परिष्कृत किया गया था और उन स्पिरिट दवाओं का उपयोग करके बनाया गया था जो मिहिर ने खरीदी थी फिर मिहिर की कीमिया का स्तर कितना ऊंचा था आह सर सीयिन का मतलब यह नहीं था कृपया गलत न समझें यह बस है यह सिर्फ इतना है कि सी इन बहुत आश्चर्यचकित था यह सात एपर्चर उत्तम गोली है यदि कोई कीमिया सम्राट भी कार्रवाई करता है तो वह इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकता है सर ने सामग्री के, के केवल दो हिस्से खरीदे और वास्तव में एक को परिष्कृत किया यह बहुत ही अद्भुत है सी की भावनाओं को पता नहीं था कि इसका वर्णन कैसे किया जाना चाहिए इस तरह के संखी को वर्णन करने के लिए कोई विशेषण नहीं मिल पा रहा था सिवाय इसके कि मेहर ने जिस सेवन एपर्चर एक स्क्विजिट पिल को परिष्कृत किया था वह एक नहीं बल्कि दो थे सेवन एपर्चर एक स्क्विजिट पिल परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन टीयर सात औषधीय गोलियों में से एक थी उपभोग के बाद यह मार्शल आर्टिस्ट की साधना गति को कई गुना तक स्थायी रूप से बढ़ा सकता है इसमें मेहर द्वारा विकसित बिन चरित्र के साथ विभिन्न तरीकों से समान परिणाम प्राप्त करने की समान गहराई थी सेवन एपर्चर एक स्क्विजिट पिल का मूल्यवान पहलू यह है कि यह न केवल हेवन एनलाइटनमेंट रियलम मार्शल कलाकारों के लिए प्रभावी था बल्कि यह प्रारंभिक चरण के फेजलेस रियलम मार्शल कलाकारों पर भी समान रूप से प्रभावी था बात सिर्फ इतनी थी कि हेवन एनलाइटनमेंट रियलम मार्शल कलाकारों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक था इसीलिए इसे टिय सात औषधीय गोली के रूप में वर्गीकृत किया गया था हकीकत में कीमिया संतों के बारे में भूल जाओ यहां तक कि की कीमिया वेनेबल्स में भी बहुत कम लोग थे जो सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम थे इसलिए मिहिर ने एक अंक की कीमत बताई यह सिर्फ किस्मत थी गोलियों को परिष्कृत करते समय आमतौर पर इस ये की सफलता दर इतनी अधिक नहीं होती है एकांत के इन कुछ दिनों में पता नहीं क्यों मेरा नैतिक चरित्र अचानक उभर आया इसलिए मैंने नौ औषधीय गोलियां परिष्कृत की मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा यहां तक कि सेवन एपर्चर एक्सक्लूसिव पिल जिसे मैं आमतौर पर, पर परिष्कृत करने में असमर्थ हूं वास्तव में सफल भी हो गई लेकिन जबसी इन ने यह सुना तो वह अवाक रह गई इस तरह की चीज को परिष्कृत करने वाली गोलियां नैतिक चरित्र पर भी निर्भर हो सकती हैं एक हालांकि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में वास्तव में भाग्य के घटक थे लेकिन इसका उद्देश्य एक ही औषधीय गोली था सौभाग्य के कारण नौ विभिन्न औषधीय गोलियों का शोधन यह भाग्य किस हद तक स्वर्ग विरोधी था क्या आप सचमुच इस एक साठ को मूर्ख समझते हैं हालांकि भाग्य के अलावा क्या अभी भी कोई बेहतर स्पष्टीकरण था अगर यह कोई अन्य औषधीय गोली होती तो भूल जाइए लेकिन सेवन एपर्चर एक्सक्लूसिव गोली को सिर्फ ताकत के आधार पर परिष्कृत नहीं किया जा सकता पचास की सफलता दर यह भी कुछ ज्यादा ही भयावह था है ना इसके बारे में ध्यान से सोचने पर भाग्य भी सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था इसने अनजाने में सी येन को भ्रमित कर दिया ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर वास्तव में एक कीमिया प्रतिभा है जिसका हजारों वर्षों में एक बार मिलना मुश्किल है इसके अलावा सर की मार्शल ताकत चौंकाने वाली है निरंतर अभ्यास करते रहने पर शायद आप अगले सोल मार्शल डिवाइन किंग बनने में सक्षम हो जाए सीयिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा मेहर ने हंसते हुए कहा हाँ हाँ मैं सोल मार्शल डिवाइन किंग के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करूंगा आइए अंकों के मुद्दे पर विचार करें सीयिन का चेहरा लाल हो गया और वह अपनी मानसिक स्थिति खोने के प्रति भी सचेत हो गई उसने सिर हिलाया और कहा सेवन एपर्चर एक स्क्विजिट पिल्टियर आठ औषधीय गोलियों के बराबर है एक सौ पचास अंकों के लिए आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा नहीं है मैं सर को तुरंत इसे अंकों के बदले बदलने में मदद करूंगा सर कृपया मुझे फॉलो करें सी इन मिहिर को भीतरी मंडप में ले आया औषधीय गोलियों का आदान प्रदान करने के बाद उसने बहुत गंभीरता से एक जेड़ पर्ची निकाली और मिहर को दे दी सी ने गंभीरता से कहा सर हालांकि यह वध तलवार कला आपको बेची गई है आपको इस मार्शल तकनीक को बिल्कुल भी बाहर नहीं फैलाने के लिए स्वर्गीय दाव शपथ लेनी होगी मिहिर ने सिर हिलाया और कहा बिल्कुल है सी ने कहा कि इस मार्शल तकनीक को जब चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो किसी की ताकत दस महान दिव्य राजाओं के बराबर होगी मार्शल तकनीक का यह स्तर अगर बाहरी दुनिया में होता तो बिकने की बात तो दूर देखने को भी नहीं मिलता चाहे वह कोई भी गुट हो इस प्रकार की मार्शल तकनीकों के संबंध में वे सभी इसे बहुत प्रिय मानते थे हालांकि असुर अखाड़े ने इसे प्रसारित किया लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से बाहर फैलने की अनुमति देना भी संभव नहीं था लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेहर को और भी अधिक संदेह था चीज़ों के असामान्य होने में जरूर कुछ अजीब बात होगी चूंकि यह साधना पद्धति इतनी दुर्जय थी तो असुर अखाड़ा इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित क्यों करेगा अराजक शैतान सागर दैवीय क्षेत्र में एक बहुत ही रहस्यमय क्षेत्र था कोई नहीं जानता था कि इस स्थान पर किसका शासन था एक बिंदु पर प्रमुख ताकतें थीं जिन्होंने अराजक शैतान सागर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी असफल रहे इसके अलावा उनके परिणाम बहुत दुखद थे जैसे जैसे समय बीतता गया किसी और की इस क्षेत्र पर योजनाएं बनाने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन यह कहने के लिए कि वध तलवार कला को दस महान दिव्य राजाओं के दायरे में विकसित किया जा सकता है मेहर को कुछ संदेह था यदि वास्तव में ऐसा था तो उसने अराजक शैतान सागर द्वारा किसी शक्तिशाली चरित्र का निर्माण करने के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था सीयिन के ठीक सामने मेहर ने दूसरे पक्ष के हाथों से स्पिरिट हेलो जेड प्राप्त करने से पहले एक स्वर्गीय दांव शपथ ली स्पिरिट हेलो जेड जेड पर्चियां थीं जिनका उपयोग विशेष रूप से टियर नौ खेती के तरीकों को लिखने के लिए किया जाता था इसके गुण बेहद खास थे और यह बेहद दुर्लभ भी था मिहिर ने माना कि स्पिरिट हेलो जेड से बनी यह जेड स्लिप शायद दस अंक के लायक थी जैसे ही यह उसके हाथ में आया मेहर की दिव्य भावना अभी भी अंदर नहीं डूबी थी कि क्यूई को मारने का एक उछाल सामने से आया इसने वास्तव में मेहर को अनजाने में हार्ट लाइक मोनोलिथ की परिक्रमा करने पर मजबूर कर दिया ऐसी स्थिति देखकर मिहिर भी गुप्त रूप से चौंके बिना नहीं रह सका यह मार्शल तकनीक सचमुच अविश्वसनीय लग रही थी स्पिरिट के अंदर हेलो जेड निश्चित रूप से एक प्रतिकृति खेती पद्धति थी और इसमें वास्तव में ऐसी शक्ति थी ऐसा लगता है कि सी य ने पहले जो कहा था वह अधिकतर सच था सर को ऐसी मार्शल तकनीक मिली क्या आप देखना नहीं चाहेंगे सी यन ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा इन शब्दों में इरादे पर कुछ प्रेरणा थी लेकिन मिहिर कैसा इंसान था वह इस तरह के उकसावे से कैसे डर सकता था तुरंत मुस्कुराते हुए मिहिर ने सीधे अपनी दिव्य भावना को आत्मा हेलोजेड में डुबो दिया बूम तुरंत मेहर की चेतना का समुद्र हिंसक हत्या के इरादे से भर गया यह वास्तव में उसकी इच्छा को नियंत्रित करना चाहता था मेहर लंबे समय से तैयार था हार्ट लाइक मोनोलिथ को सीमा तक घुमा रहा था और इस हत्या की इच्छा को बलपूर्वक दबा रहा था वध तलवार कला प्रथम स्तर तलवार का हत्या गीत एक जानलेवा गीत स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका देता है असंख्य जीवन उजाड़ और अंधकारमय है अपनी चेतना के सागर में हिंसक हत्या के इरादे को बलपूर्वक दबाने के बाद ही प्रथम स्तर की सामग्री मेहर के सामने आई मेहर के वर्तमान वध इरादे के साथ वह केवल इस प्रथम स्तर की चाल को ही विकसित कर सका बस उस पर कुछ देर सरसरी निगाह डालते ही मेहर को बहुत झटका लगा तभी उन्हें पता चला कि वध की अवधारणा वास्तव में अभी भी इस तरह इस्तेमाल की जा सकती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं किसी यिन ने कहा कि यह मार्शल तकनीक दस महान दिव्य राजाओं की ताकत का मुकाबला कर सकती है ऐसा लगता है कि उसने जो कहा वह झूठ नहीं था यदि इस पहली चाल में महारत हासिल थी तो यह स्पिरिट ब्रिस्टल नाइन यान डिवाइन आर्ट की सातवीं परक मार्शल तकनीक से बिल्कुल नीचे नहीं थी मिहिर वर्तमान में वध तलवार कला के पहले स्तर की लंबी अपील का आनंद ले रहा था और उसके दिल में अतुलनीय झटका लगा था लेकिन उसने यह नहीं देखा किसी की आंखों में आश्चर्य उससे भी अधिक था मिहिर इस मार्शल तकनीक को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे लेकिन जब अन्य लोगों ने अपनी दिव्य भावना को स्पिरिट हेलो जेड़ के अंदर डुबो दिया तो वे सभी बहुत जल्दी अविश्वसनीय रूप से क्रूर हो गए कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर हत्या के इरादे से नियंत्रित हो गए और सी यिन पर हिंसक हमला कर दिया निःसंदेह अंतिम परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा हालांकि मिहिर थोड़े समय के लिए अन्यमंस खो गया फिर उसने इसे नियंत्रित कर लिया ये मिहिर इसका मन अटल है उनकी हृदय क्षेत्र की साधना कम से कम हृदय की तरह मनोलित क्षेत्र तक पहुंच गई है मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह इतनी कम उम्र में कैसे खेती करता है इस असुर अखाड़े के अंदर सी इन ने भगवान से पहले न जाने कितनी प्रतिभाओं को देखा था लेकिन मेहर जैसा तगड़ा झटका उसे कोई नहीं दे सका वर्तमान में मेहर पहले ही हेलो जेड़ की भावना से बाहर निकल गया और बार बार प्रशंसा की बुरा नहीं है बहुत अच्छा सी यिन ने अपने विचारों को दूर रखा और मुस्कुराते हुए कहा क्या सर को लगता है कि अब आपको अपने पैसे से अधिक मिल गया है मेहर ने सिर हिलाया और कहा यह सही है 500 अंकों के लिए इस मार्शल तकनीक को खरीदकर इस ये ने अन्य लोगों के खर्च पर लाभ कमाया मार्शल तकनीकों के इस स्तर के सभी अमूल्य खजाने थे और सार क्रिस्टल का उपयोग करके मापने का कोई तरीका नहीं था हालांकि 500 अंक एक खगोलीय आंकड़ा था इस तरह की मार्शल तकनीक सीखना वास्तव में इसके पैसे के मूल्य से ऊपर था ऐसी साधना विधि प्राप्त करने के बाद मेहर भी अपने उत्साह को रोक नहीं सका और एकांतवास में वापस जाकर इस साधना विधि की खेती करने की योजना बना रहा था लेकिन वह अभी निकला ही था कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया आगमन बहुत विनम्र था उसने मेहर की ओर हाथ जोड़कर पूछा क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप भगवान मेहर हैं बिल्कुल तो आपके पास क्या मार्गदर्शन है मेहर ने शांत स्वर में कहा व्यक्ति ने कहा यह सुन की हुई है जो तीसरे स्तर के लॉर्ड दानव राजा के अधीन नंबर एक युद्ध से नापती है लॉर्ड दानव राजा ने सुना कि लॉर्ड मेहर एक उत्कृष्ट युवा प्रतिभा है और आपसे परिचित होना चाहता है और विशेष रूप से इस तुच्छ व्यक्ति को यहां आने और तीसरे स्तर तक के मिलॉर्ड को बातचीत करने के लिए आमंत्रित करने का आदेश देता है बाहरी मंडप में काफी लोग थे सुनक्यू को देखकर वे सभी अचंभित रह गए यह वास्तव में भगवान सुनक्यूई हैं मैंने सुना है कि वह दानव राजा के अधीन नंबर एक युद्ध सेनापति है पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा पर अट्ठावनवे स्थान पर एक विशेषज्ञ वह वास्तव में मेहर के प्रति बहुत विनम्र है ऐसा लगता है जैसे मेहर ने सचमुच अपना नाम बना लिया है उन्होंने अभी तक तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया है और उन्होंने लॉर्ड सन क्यूई को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए लॉर्ड डेमन किंग की मान्यता प्राप्त की है सचमुच उल्लेखनीय एक पल के लिए असुर दुकान के अंदर कई तरह की चर्चाएं होने लगीं मेहर को टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना कोई अनोखी बात नहीं थी दूसरे स्तर पर मेहर के प्रदर्शन के साथ तीसरे स्तर पर जाने के बाद उन दिग्गजों द्वारा उसे अत्यधिक सम्मान दिया जाना तय था जिस बात ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया वह सुनक्यूई का रवैया था सनक्यूई कौन थे पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा में एक पावर हाउस अट्ठावनवें स्थान पर है लिंक विंग की तुलना में उसकी ताकत कहीं अधिक मजबूत थी ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति वास्तव में मेहर के प्रति कितना आदरपूर्ण था भले ही उसे राक्षस राजा के आदेश के तहत यहां भेजा गया हो लेकिन इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए यह असुर अखाड़ा इतना सभ्य और विनम्र कब हो गया दानव राजा कौन है मैं नहीं जानता और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है मुझे अभी भी एकांत में प्रवेश करने और साधना करने के लिए वापस जाना है आकर मुझे परेशान मत करो मिहिर ने अधीरता से देखते हुए कहा वह इस समय बहुत उत्साहित था और बध कलवार कला विकसित करना चाहता था लेकिन एक और राक्षस राजा फिर से बाहर कूद गया यह अजीब होगा अगर वह खुश हो सके लेकिन जब ये शब्द दूसरे लोगों के कानों में पड़ते थे तो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे राक्षस राजा कौन था तीसरे स्तर के राजाओं में से एक एक शक्तिशाली अस्तित्व को शीर्ष पांच में स्थान दिया गया मेहर ने वास्तव में धृष्टतापूर्वक बोलने का साहस किया यदि ये शब्द सुनक्यूई द्वारा वापस लाए जाते तो क्या लॉर्ड दानव राजा अपना सिर नहीं फोड़ देते दानव राजा को दानव राजा कहने का कारण यह था कि वह बिना आंख मिलाए लोगों को मार डालता था चाहे वे कोई भी हों जब तक उन्होंने उसे उकसाया वह बिना किसी अपवाद के नष्ट हो गया हो सकता है कि दानव राजा तीसरे स्तर में सबसे शक्तिशाली न हो लेकिन वह तीसरे स्तर में बिल्कुल सबसे क्रूर और क्रूर था बात खत्म करके मेहर बिना किसी परवाह के चला गया और उसने सुनक्यूई -E पर एक नजर भी नहीं डाली सुनक्यूई -E का चेहरा काला पड़ गया सुनक्यूई -E किस प्रकार का व्यक्ति था दूसरे स्तर के लड़के को आमंत्रित करने के लिए आने पर इस आदमी ने वास्तव में अभी भी चेहरा नहीं दिया लेकिन लॉर्ड डेमन किंग के निर्देशों के बारे में सोचने पर सुनक्यूई ने बलपूर्वक अपने दिल में असंतोष को दबाया मिहिर को पकड़ लिया और कहा चूंकि लॉर्ड मिहिर ने पहले ही तीसरे स्तर तक आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर ली है इसलिए वह ऊपर नहीं जा रहा है तीसरे स्तर पर भी यही खेती करनी होगी लॉर्ड डेमन किंग ने पहले से ही आपके लिए एक तीसरे स्तर का शीर्ष स्तरीय खेती कक्ष तैयार किया है और मिलॉर्ड की खेती के लिए प्रदान कर सकता है सुनक्यूई के रवैये को लेकर मिहिर भी थोड़ा हैरान था उसने शुरू में सोचा था कि सुन क्यों ही विस्फोट करेगा उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सचमुच इतना अच्छा स्वभाव का होगा अराजक शैतान सागर में पहुंचने के बाद से मिहिर ने अभी भी इतना अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत कम देखा है लेकिन एक शीर्ष स्तरीय खेती कक्ष ने मिहिर को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया किसी को यह जानना होगा कि इस शीर्ष स्तरीय खेती कक्ष एक वध बिंदु का उपयोग केवल तीन दिनों के लिए किया जा सकता है यदि बाधाओं पर हमला नहीं करना होता तो आम लोग इसे किराए पर नहीं लेते मिहिर थोड़ा रुका और बोला ठीक है शीर्ष स्तरीय खेती कक्ष को देखते हुए मैं आपके साथ एक यात्रा पर चलूंगा दूसरे स्तर पर मुझे अभी भी कुछ मामलों का ध्यान रखना है तुम तीसरे स्तर पर जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो दरअसल देखभाल के लिए ज्यादा सामान भी नहीं था मिहिर तंसी को अलविदा कहने के लिए वापस जा रहा था इन कुछ दिनों में तैंसी को अभी भी चौकस और संतोषजनक माना जाता था मिहिर स्वाभाविक रूप से उसके प्रति कंजूस भी नहीं होगा उन्होंने उसे कुछ औषधीय गोलियां दीं और अच्छी तरह से खेती करने का निर्देश दिया अभी दूसरे स्तर पर सभी जानते थे कि टैंसी उनका अनुयायी था स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास आंखें न हो जो उसके लिए चीज़ों को बहुत कठिन बना रहा हो टैंसी में अभी भी काफ़ी संभावनाएं थीं इस दौरान उनका सुधार भी साफ नजर आया भविष्य में तीसरे स्तर तक आगे बढ़ना भी असंभव नहीं था टैंसी के मामलों को निपटाने के बाद मेहर सीधे तीसरे स्तर पर चला गया संक्यूई मेहर को एक खाली हॉल में ले आई और कहा कि जाकर उसके आगमन की सूचना दो और फिर गायब हो गई पूरे हॉल में मेहर अकेला रह गया था मेहर अपने उत्कृष्ट कौशल के कारण साहसी थे और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी वह शांति से बैठ गया और चाय पी पूरा चाय का बर्तन पीने के बाद भी कोई नमस्ते कहने वाला नहीं आया हॉल के अंदर यह शांत और शांत था केवल मेहर के लगातार चाय पीने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं धीरे धीरे ठंडा वातावरण छा गया यह मामला एक जाल जैसा ही लग रहा था चाहे कोई भी इसे कैसे भी देखे आगे बढ़ो इतनी देर तक इसे रोके रखने से क्या तुम थके नहीं हो मिहिर ने धीरे से चायदानी नीचे रख दी और शांत भाव से कहा मानो मिहर की बातों का जवाब देते हुए एक काली छाया अचानक बाहर आ गई एक हथेलियां अदमय शक्ति के साथ मिहिर की ओर गड़गड़ा रही थीं टकराना मिहिर जिस कुर्सी पर बैठा था और मेज सीधे धूल में मिल गई ताकत अच्छी है लेकिन चूंकि आपके सम्मानित स्वयं ने मुझे यहां आमंत्रित किया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के सामने अपना असली रूप प्रकट करने का साहस नहीं करते मेहर ने पहले ही खुद को संभाल लिया था और उसे जाल में फंसने का जरा भी एहसास नहीं था उनके सामने यह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था यहां तक कि उसने अपने चेहरे पर काले रंग का नुकीला मुखौटा भी पहन रखा था जो बेहद खूंखार लग रहा था नकाबपोश कुछ नहीं बोला हाथ उठाकर देखा तो यह दूसरी हथेली थी मेहर का मुक्का सीधे नकाबपोष व्यक्ति की हथेली के बल को नष्ट करते हुए गड़गड़ाया गर शक्तिशाली स्वर्ग ईश्वर विनाशक ताड़ नकाबपोश आदमी की धीमी आवाज ऊपर तक फैल गई एक भयानक ताड़ बल ने मेहर की ओर आक्रमण किया हिंसात्मक हत्या के इरादे से पूरा हॉल भर गया यह हथेली स्पष्ट रूप से वध के सर्वोच्च सच्चे इरादे से प्रकट हुई थी स्लॉटर सुप्रीम ट्रू इंटेंट के स्तर के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से लिंकिंग से ऊपर था मिहिर ने माना कि भले ही इस नकाबपोष व्यक्ति की वध अवधारणा सात सितारों तक नहीं पहुंची लेकिन यह बहुत दूर भी नहीं थी हालांकि आत्मा जनरलों को नौ सितारों में विभाजित किया गया था इन सितारों को पीछे की ओर संघनित करना कठिन और कठिन होगा छह सितारों से सात सितारों तक एक बड़ी सीमा भी थी एक मार्शल कलाकार को पर्याप्त वध अवधारणा एकत्र करने से पहले न जाने कितने मैचों में अच्छाई से लड़ना पड़ता था उसके सामने यह नकाबपोश व्यक्ति तथाक्थित दानव राजा होना चाहिए ऐसी हथेली का सामना करते हुए मेहर ने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की उन्होंने तुरंत वॉयड ड्रैगन शैडो पांच को सीमा तक घुमाया बूम प्रचंड शक्ति वाले दो आक्रमण एक साथ टकराए एक विशाल ऊर्जा तरंग ने सीधे हॉल को तहसन कर दिया छत तुरंत ढह गई पूरा हॉल तुरंत बंजर भूमि में बदल गया लेकिन ठीक इसी समय आसमान में अचानक अंधेरा छा गया तारों से भरा आसमान एक भयानक ऊर्जा तरंग ने तुरंत मिहिर को अंदर से घेर लिया यह दृश्य देखकर मिहिर ने कोई गंभीर भाव प्रकट नहीं किया बल्कि मुस्कुरा दिया आखिरकार उसे पता चल गया कि यह दानव राजा कौन था मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यह व्यक्ति वास्तव में अराजक शैतान सागर की ओर भागे हो लेकिन आपका सुधार सचमुच मुझे आश्चर्यचित कर देता है चूंकि आप मेरी सीमाओं का परीक्षण करना चाहते हैं मैं आपको अपनी असली ताकत का गवाह बनने दूंगा मिहिर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो गई स्टारमून तलवार चुपचाप उसके हाथ में आ गई मिहिर ने स्टारमून तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया फिर लापरवाही से हवा में उछाल दिया वास्तव में आकाश में एक विशाल दरार टूट गई थी उसके बाद तारों के वेकण इस स्लैश के नीचे पूरी तरह से नष्ट हो गए इस शक्तिशाली लुमेन स्टार ब्रिलियंस मूव को मिहर ने अपने हाथ के झटके से तोड़ दिया इज योर डिपर फ्लोटिंग जीरो तलवार आसमान की ओर उड़ेगी मिहिर ने हल्के से ये कुछ शब्द उगल दिए उस काले मुखौटे के पीछे वे पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं जो उसकी आंखों के सामने के दृश्य से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थीं जब आसमान साफ हुआ तभी नकाबोश आदमी सदमे के बीच से होश में वापस आया उसने एक लंबी सांस ली और कहा मैंने सोचा कि मैं पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली था सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ दूरियां इतनी बड़ी हो जाएंगी नकाबपोश व्यक्ति ने धीरे से नुकीला मुखौटा हटा दिया जिससे एक नाज़ुक और अच्छा दिखने वाला चेहरा सामने आया नालंचू के अलावा यह कौन हो सकता है उस समय नालनचू ने यह कहते हुए क्रिमसन आफ्रग्लो लैंड छोड़ दिया कि वह बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना चाहता है लेकिन मेहर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में क्रिमसन आफ्ट्रग्लो पवित्र भूमि तक भाग गया और यहां तक कि असुर एरिना के अंदर भी प्रवेश कर गया मेहर की धारणा में नालनचू एक स्वतंत्र और अपरंपरागत विनम्र सज्जन व्यक्ति थे लेकिन उसकी आंखों के सामने इस दानव राजा ने मेहर की उसके प्रति समझ को विकृत कर दिया ऐसा लग रहा था जैसे इस दौरान उनका ट्रांसफॉर्मेशन वाकई छोटा नहीं था पूरे फर्श पर फैले इस मलबे को देखकर संक्यूई अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका उसने मूल रूप से सोचा था कि लॉर्ड डेमन किंग ने मेहर को सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि वह मेहर की प्रशंसा करता था और उसे अपने अधीन लेना चाहता था उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मेहर की ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी लॉर्ड दानव राजा वास्तव में मेहर के हाथों पराजित हुआ था नालनचू की राजा की उपाधि हवा में नहीं उभरी बल्कि मैच दर मैच लड़ी गई तीसरे स्तर के शीर्ष पांच में वध करने में सक्षम होने के लिए यह देखा जा सकता है कि लॉर्ड डेमन किंग की ताकत कितनी शक्तिशाली थी लेकिन ऐसा भगवान दानव राजा वास्तव में फिर भी मेहर से हार गया इस तीसरे स्तर के स्वर्ग ज्ञानोदय वाले लड़के की पृष्ठभूमि क्या थी पहले की तुलना में आप वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं अतीत में आपके द्वारा मुझे विल विल्सोरिंग टू द स्काइज का उपयोग करने के लिए बाध्य करना बिल्कुल असंभव था मेहर ने हंसते हुए कहा आसमान की ओर उड़ेंगे एक बढ़िया इच्छा आसमान तक उड़ान भरेगी आपकी तलवार का इरादा वास्तव में पहले से ही स्वर्ग की नौवीं परत के ऊपर सवार है इस तरह की तलवार बिल्कुल वैसी ही कहावत है जैसे यदि देवता रुके तो देवताओं को मार डालो यदि बुद्ध रुके तो बुद्ध को मार डालो नालनचू ने भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ कहा मिहिर के साथ मारपीट के बाद नालनचू को मिहिर की ताकत की गहरी समझ हो गई थी पिछली बार मिहिर ने अपने सबसे शक्तिशाली रेंडिंग दस काई का उपयोग करके उसे पहले ही चौंका दिया था असुर अखाड़े में इन कुछ वर्षों में प्रशिक्षण और संयम के साथ नालनचू ने हमेशा मिहिर को अपने लक्ष्य के रूप में पीछा किया था उनका सुधार जबरदस्त था एक समय पर नालंचू को भी लगा कि वह पहले से ही मेहर के बहुत करीब है लेकिन आज देखा तो मेहर की ताकत अभी भी उससे कहीं ज्यादा थी यह रुख विल सोअरिंग टू द स्काईज वास्तव में स्वर्ग की नोबी परत के ऊपर सवार था वह इसे हल करने के लिए कोई रणनीति नहीं सोच सका मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा उस दिन तक प्रतीक्षा करें जब तक मेरी तलवार का इरादा बड़ी उपलब्धि तक नहीं पहुंच जाता हो सकता है कि यह वास्तव में देवताओं को मार सकती है यदि देवता रोकते हैं और यदि बुद्ध रोकते हैं तो बुद्ध को मार सकते हैं लेकिन अभी इसमें अभी भी कुछ कमी है नालन चूने भी मुस्कुराते हुए कहा यह सिर्फ समय की बात है ठीक है यह जगह बात करने की जगह नहीं है सुन सुनक्यूई हम आपके निवास पर जाएंगे सुन क्यूई ने झुककर कहा हां महामहिम जब मिहिर एक बार फिर उसके पास से गुज़रा तो क्यूई के दिल में भावना बिल्कुल अलग थी इस युवक की ताकत बहुत भयानक थी नालंचू के साथ कुछ छोटी सी बातचीत के बाद ही मिहिर को पता चला कि नालंचू के लिए ये दो साल का प्रशिक्षण और संयम भी आसान नहीं था नालनचू का व्यक्तित्व भी सौहार्दपूर्ण और दयालु था अपने प्रशिक्षण और संयम के दौरान उसे एक अन्यायपूर्ण मामले का सामना करना पड़ा रैंक सेवन होली लैंड का कनिष्ठ शिष्य एक महिला का उल्लंघन करने की प्रक्रिया में था नालनचू ने अपने गुस्से में उस व्यक्ति को मार डाला फिर उसका अंतिम पीछा किया रास्ते में उन्हें कई बार निराशाजनक स्थितियों में मजबूर होना पड़ा और उनकी जान जाते जाते, जाते बची लेकिन अंत में वे फिर भी उबर गए रैंक सेवन होली लैंड्स वह नहीं थी जिसे क्रिमसन आफ्टरग्लो उस तरह की रैंक नाइन होली लैंड्स भड़काने का जोखिम उठा सकती थी नालनचू ने अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं की अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर नालनचू अराजक शैतान सागर में भाग गया जैसा कि भाग्य ने चाहा, उसे एक एब्सोल्यूट किल टोकन प्राप्त हुआ इसलिए उन्होंने असुर अखाड़े में प्रवेश किया नालनचू ने यह नहीं सोचा था कि कई बार जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद उनका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया और बहुत तेजी से असुर अखाड़े के लड़ने के तरीकों में एकीकृत हो गया इस स्थान पर वह छलांग और सीमा के साथ आगे बढ़ा न केवल वह पहले से ही लगभग सात सितारा आत्मा जनरल बन गया बल्कि उसका लाइट सुप्रीम ट्रू इंटेंट भी तीसरे चरण में पहुंच गया उस दिन मैंने सुना कि दूसरे स्तर पर एक अपस्टार्ट था जिसे मेहर भी कहा जाता है इसके अलावा दूसरे स्तर पर उनकी ताकत जबरदस्त थी मैंने सोचा कि क्या ऐसा कोई संयोग है बाद में मैंने आपकी और लेम की लड़ाई की रिकॉर्डिंग प्राप्त की इससे पहले कि मुझे पता चला कि यह वास्तव में आप ही हैं विदेशी भूमि में एक पुराने दोस्त से मिलने पर नालन चूभी स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था इन दो वर्षों से अधिक समय में चाहे वह ताकत हो या स्वभाव नालंचू में जबरदस्त बदलाव आया दानव राजा यह उपाधि यूं ही नहीं दी गई थी यह पूर्व नालंचू के लिए बिल्कुल अकल्पनीय था मेहर ने नालंचू के साथ क्रिमसन आफ्रग्लो लैंड के हालिया विकास के बारे में भी बात की जब नालंचू ने भी यह सुना तो उसने बहुत गहरी आह भरी लेकिन जब उन्हें सूचित किया गया कि तू यू सफल हो गया है और क्रिमसन आफ्रग्लो पवित्र भूमि को रैंक आठ पवित्र भूमि में पदोन्नत किया गया है तो उन्हें बहुत खुशी हुई मेहर चूंकि आप पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं तो क्या यह शिविर चुनने का समय नहीं है छोटी सी बातचीत के बाद नालनचू ने कहा एक शिविर चुने मिहिर की निगाहें हैरान करने वाली थी नालनचू ने अपना सिर हिलाया और समझाया यह असुर अखाड़ा वास्तव में बारह ग्रेट एक्साल्ट द्वारा नियंत्रित है प्रथम स्तर से लेकर छठे स्तर तक के मार्शल कलाकार चाहे स्वर ज्ञानोदय क्षेत्र हो या चरणहीन क्षेत्र वे सभी वास्तव में बारह महान उत्कर्षों में से एक के थे नालनचू को ऐसा कहते हुए सुनकर मिहिर ने एहसास की झलक दिखाई कोई आश्चर्य नहीं कि लेंकिंग को वास्तव में उसकी इच्छा मिल गई जब वह मुझसे लड़ना चाहता था लिंकविंग के ऊपर बारह महान महानुभावों में से एक महान स्वर्गीय हेडोनिस्ट है हैं मैं जिस एक साठ से संबंध रखता हूं वह एक साठ जो यान है यदि मेरा अनुमान सही है तो एक साठ सीयिन की नजर शायद आप पर पहले से ही है ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें अपने अधीन करना चाहती है नालनचू ने कहा मिहिर स्तब्ध रह गया सीयिन का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया आप कह रहे हैं कि असुर दुकान में महिला परिचारक बारह श्रेष्ठों में से एक है मिहिर की नज़र शून्य थी एक सांठ सी इन का यह नाम सुनकर वह अंत अपने होश में वापस आ गया सीयिन ने असंख्य चीजों की गणना की लेकिन उसने यह गणना नहीं की कि मिहर की वास्तव में इस लॉर्ड दानव राजा के साथ व्यक्तिगत मित्रता थी नालन नालनचू ने मुस्कुराते हुए कहा असुर अखाड़े में बारह एक की स्थितियां सभी अलग अलग हैं एक सांठ सी यिन जिस क्षेत्र का प्रभारी है वह वास्तव में असुर शौक है मिहिर अवाक रह गया वह युवती भी अभिनय में कुछ ज्यादा ही सक्षम थी है ना हालांकि मेहर को बहुत पहले से ही संदेह था लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा था कि यह युवती वास्तव में बारह महानों में से एक थी ऐसे ही हो अगर मैं उनके शिविरों में शामिल नहीं हुआ तो क्या होगा मेहर ने इस पर विचार करते हुए कहा जब तक आपके पास स्वर्ग को मात देने वाली ताकत नहीं है तब तक उनके शिविरों में शामिल न हो अन्यथा आप केवल उनके द्वारा मिटाए जा सकते हैं बेशक वे असुर अखाड़े के नियमों का उल्लंघन भी नहीं कर सकते लेकिन वे नियमों की अनुमत सीमाओं के भीतर आपको पूरी तरह मिटा सकते हैं नालनचू ने कहा नियमों के बारे में नालनचू ने कहा मिहिर ने इसे समझा मिहिर चाहे किसी भी स्तर पर हो वे उससे निपटने के लिए मजबूत विरोधियों की व्यवस्था कर सकते थे यह लगभग इसी तरह था हे हे मुझे मिटा देना चाहते हो उन्हें आगे बढ़ने दो बस आशा है कि वे अपने सामने का दांत न तोड़ लें मिहिर किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था वह वह था एक पूर्व शिखर कीनिया सम्राट एक वर्तमान प्रतिभाशाली युवा तुच्छ बारह महानों मेहर को आकर उसे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है मेहर के रवैये को देखकर नलन चुकड़वी मुस्कान के साथ कहने से खुद को नहीं रोक सका मुझे यह पता था चाहे कुछ भी हो हम संयुक्त रूप से क्रिमसन आफ्टरग्लो होली लैंड से बाहर आए इसके अलावा आप सही और उचित युवा स्वामी हैं चाहे पेशेवर हो या निजी भले ही मैं मर जाऊं मुझे आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी यह सुनकर मिहर आश्चर्यचकित रह गया लेकिन मुस्कुराते हुए बोला तुम मुझे हरा भी नहीं सकते तुम्हें मेरी सुरक्षा से क्या मतलब इसे भूल जाइए इन चीज़ों के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कम से कम इस तीसरे स्तर पर अभी तक कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं है नालंचू ने अपना सिर हिलाया लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए दरअसल मेहर को ढूंढने से पहले ही उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था दूसरे लोगों को उसने कहने की हिम्मत नहीं की लेकिन मेहर को वह थोड़ा बहुत जानता था मेहर को किसी का पिछलगू बनाकर झुकाना और खुरचना चाहो यह बिल्कुल असंभव था उह भाई ये पहले दूसरी चीजों के बारे में बात मत करो जिस 18 दिन के शीर्ष स्तरीय साधना कक्ष का मैंने आपसे वादा किया था वह पहले से ही तैयार है मैं जानता हूं कि भाई ये को स्लॉटर कॉन्सेप्ट की प्रासंगिक मार्शल तकनीक चुननी चाहिए थी इस समय आपको जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह बंदे कांत होना चाहिए नालान चूने कहा तलवार का हत्यागीत खेती कक्ष के अंदर क्यूई की मृत्यु हो गई काले रंग की तलवार क्यूई का एक समूह खेती कक्ष के अंदर घूम रहा था यह जिन स्थानों से होकर गुजरता था वहां सूक्ष्म लहरें उठती थीं जिससे आसपास की दीवारों पर तीव्र लहरें उठती थीं यह वध तलवार कला वास्तव में अपनी प्रसिद्धि के योग्य है वास्तव में इस तरह की विधि के माध्यम से हत्या के इरादे को उजागर करने में सक्षम है एक महीना बीत गया और मैं वास्तव में केवल प्रथम स्तर का कुछ ही समझ सका सिर्फ अठारह दिन बहुत कम थे समय पूरा होने पर मेहर ने बारह दिन का समय और बढ़ा दिया तभी वह बमुश्किल तलवार के किलिंग सॉन का थोड़ा सा अंश भी समझ पाया मेहर के लिए वध सर्वोच्च सच्चे इरादे को रखने की शर्त के तहत एक मार्शल तकनीक विकसित करने के लिए एक महीने के समय का उपयोग करना और वास्तव में केवल मूल बातों को समझना यह एक बहुत ही कम देखा जाने वाला मामला था यह वध तलवार कला बहुत गहन थी समझने की कठिनाई स्पिरिट ब्रिस्टल नाइन यान दिवाइन आर्ट की सहायक मार्शल तकनीकों के अंतर्गत बिल्कुल नहीं थी ऐसा प्रतीत हुआ किसी इन ने जो कहा वह झूठ नहीं था यदि इस मार्शल तकनीक को सीमा तक विकसित किया जाए तो वास्तव में किसी के पास दस महान दिव्य राजाओं के बराबर ताकत हो सकती है बात सिर्फ इतनी थी कि अगर सी इन को मिहिर की खेती की गति के बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से बेहद चौंक जाएगी इस मार्शल तकनीक को अन्य लोगों ने दस वर्षों तक इकाइयों के रूप में विकसित किया मेहर ने वास्तव में प्रारंभिक बुनियादी बातों को समझने में केवल एक महीने का समय लगाया यह समझने की क्षमता बहुत डरावनी थी दस महान दिव्य राजा सभी आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली थे लेकिन उन्हें इस स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे तेज गति से 500 वर्षों से भी अधिक समय की आवश्यकता है इस तरह की सीमा तक पहुंचने की चाहत रातोरात कैसे हो सकती है लेकिन मेहर अभी भी अपनी साधना गति से बहुत असंतुष्ट था समय दबाव डाल रहा है इस प्रकार की खेती की गति वास्तव में थोड़ी धीमी है ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ अराजकता रत्न प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा मेहर ने एक आह भरी और साधना कक्ष से बाहर चला गया खेती कक्ष से बाहर निकलते हुए मेहर को पता चला कि सुनक्यूई वास्तव में पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी निगाहें कुछ कुछ टालमटोल कर रही थीं। स्पष्टतः उसके पास कुछ ऐसा था जिसे व्यक्त करना उसके लिए कठिन था मिहिर के पास किस प्रकार की दृश्य क्षमता थी उन्होंने देखा कि सुनक्यूई को एक ही नज़र में काफी आंतरिक चोटें लगीं क्या हुआ आप किसी लड़ाई के दौरान घायल हो गए दानव राजा कहा है मिहिर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा नालनचू ने यहां अपने मूल नाम का उपयोग नहीं किया मिहिर स्वाभाविक रूप से अपनी अप्रिय पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करेगा बस इतनी सी बात थी कि मिहिर काफी हैरान था यदि उसके पास उसे ढूंढने के लिए कुछ होता तो घायल सुन क्यूई को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी है ना भगवान दानव राजा वह क्यूई के शब्द अस्पष्ट थे जिससे मेहर को पूर्वाभास का संकेत मिल गया बोलना सुन क्यूई ने अचानक धार्मिक आक्रोश के साथ कहा भगवान दानव राजा वह उसे किसी ने पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और किसी भी समय उसकी जान जाने का खतरा है मेहर के हाव भाव बदल गए और वह बोला यह कब हुआ आपने मुझे पहले आकर क्यों सूचित किया मैं मैं पहले भी आकर लार्ड मेहर को सूचित करना चाहता था लेकिन लॉर्ड डेमन किंग ने इसकी अनुमति नहीं दी उन्होंने कहा कि भगवान मेहर का मामला स्वर्ग से भी बड़ा है जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो हमें आपके बंदेकांत में खलल नहीं डालना चाहिए सुनक्यूई ने कटु दृष्टि से कहा बकवास उसकी नन्ही सी जान लगभग चली गई इससे बड़ी बात क्या होगी यह समाचार सुनकर मेहर का हृदय कुछ द्रवित और असामान्य रूप से चिड़चिड़ा हो गया मेहर स्वाभाविक रूप से नालन के विचारों से अवगत था बात सिर्फ इतनी थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि नालनचू वास्तव में इतना मूर्खतापूर्ण वफादार था उसे कुछ ही समय में पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था और उसने वास्तव में अपने अधीनस्थों को आने और एकांत से बाहर निकलने के लिए पहले से सूचित करने की अनुमति नहीं दी थी नालनचू के दिल में मिहिर क्रिमसन आफ्टरग्लो होली लैंड के पवित्र भगवान थे वह क्रिमसन आफ्टरग्लो होली लैंड का भविष्य था मार्शल कलाकारों की खेती के संबंध में सबसे बड़ी वर्जनाओं में से एक बंद दरवाजे के एकांत में बाधा डालना था बंदेकांत में अचानक विघ्न पड़ना यदि यह मामूली होता तो इससे वे चीजें जो वे समझ पाते थे अपरिवर्तनीय रूप से खो जाती यदि गंभीर हो तो व्यक्ति भविष्य में सफलताओं के लिए छिपे खतरों को छिपाते हुए अनियंत्रित होकर भाग जाएगा नालंचू मेहर को प्रभावित नहीं करना चाहता था इसीलिए उसने क्यूई को आकर मेहर को परेशान नहीं करने दिया मेहर को हैंडल से उड़ते देख सुन क्यूई ने बगल से बार बार हा कहा और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की मेहर ने लापरवाही से सुन क्यूई को एक औषधीय गोली फेंकी और कहा इसे खाओ मुझे दानव राजा को खोजने के लिए ले चलो जब संक्यूई को औषधीय गोली मिली तो उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई ट्रांसेंडेंट ग्रेड लिंग हुआ जेड ड्यू गोली यह यर सात उपचारात्मक औषधीय गोली प्राप्त करना अत्यंत कठिन था कुछ ऐसा जो बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा सकता था मेहर की आकस्मिक शुरुआती चाल अत्यधिक असाधारण थी मेहर को नालंचू को खोजने के लिए लाने से पहले संक्यूई ने औषधीय गोली खा ली और उसके पास औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने का समय भी नहीं था बिस्तर पर बेहोश पड़े नालंचू को देखकर मेहर का पारा चढ़ गया नालंचू के हृदय की शिरोबिंदु वस्तुतः टूट गई थी पहले से ही अपनी आखिरी हांफते हुए किसी भी समय मरना संभव है मिहर ने यह भी पता लगाया कि नालंचू के शरीर के भीतर एक अनोखी शक्ति थी जो नालंचू के आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचाएगी बहुत स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष ने जानबूझकर कर नलंचू को प्रताड़ित करने के लिए एक या दो चालें अपनाई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते समय मृत्यु होना एक सामान्य घटना थी बात सिर्फ इतनी थी कि इस तरह का तरीका सचमुच कुछ ज्यादा ही शातिर था मिहिर के हृदय का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा लेकिन इस तरह की चोट स्वाभाविक रूप से कीनिया सम्राट मिहिर को रोक नहीं सकी मिहिर ने उस शक्ति को नालंचू के शरीर से बाहर निकाला फिर नालंचू के आंतरिक अंगों के घावों को सार ऊर्जा से ठीक किया अतः उन्होंने उसे एक औषधीय गोली खाने दी और औषधीय शक्ति को निखारने में उसकी मदद की कई क्रियाओं के बाद नालंचू का रंग धीरे धीरे गुलाबी हो गया उनकी सांसें भी नियमित हो गई मिहर उठा और सुनक्यूई की ओर हाथ का इशारा करते हुए उसे बाहर जाकर बात करने का इशारा किया मेहर की हरकतों को बगल में देखकर सुनक्यू को अतुलनीय झटका लगा इन कुछ दिनों में उसने न जाने कितने संबंध बनाने के लिए भगवान न जाने कितने कीमयाग्रों को आमंत्रित किया था लेकिन वे सभी असहाय थे कि दानव राजा की चोटों के संबंध में क्या किया जाए लेकिन जैसे ही मेहर आया उसने केवल दो घंटे के समय में ही भगवान दानव राजा को राजा यम के कक्ष से वापस खींच लिया इस स्तर का साधन बस कला का एक अद्भुत काम था बोलो आखिर क्या हुआ मेहर का प्रश्न बहुत शांत था लेकिन उसकी शांति के नीचे एक भयानक क्रोध छिपा हुआ था संक्यूई ने अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत किया और पिछले दिन हुई घटनाओं के बारे में बताया पता चला यह हमेशा तीसरे स्तर की विभिन्न प्रमुख ताकतों के बीच अपेक्षाकृत संतुलित रहा है लेकिन मेहर के एकांत एक में चले जाने के कुछ ही समय बाद पता नहीं किस कारण से एक सांठ हेवनली हेडोनिस्ट और एक सांठ ब्लेजिंग फायर के तहत दो ताकतों ने वास्तव में नालनचू की लाइन से निपटने के लिए मिलकर काम किया दूसरी पार्टी बेहतर संख्या से अभिभूत हो गई और नालनचू के पक्ष की सेनाओं को लगातार चुनौती दी दो प्रमुख ताकतों के एक साथ एकजुट होने के कारण उनकी ताकत उतनी नहीं थी जितनी नालनचू झेलने में सक्षम थी दस दिनों में नालनचू को उसकी कमान के तहत भारी हताहतों का सामना करना पड़ा यहां तक कि दुर्जय ताकत वाले सन क्यूई को भी भारी चोटों से पीटा गया था नालनचू के लिए अपने ही अधीनस्थों को आंख मूंकर मार खाते देखना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं था इसलिए वह एक साठ ब्लेजिंग फायर के अधीनस्थ यान शान को चुनौती देने के लिए आगे आए पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा पर यान शान की रैंकिंग नालनचू से कम हो गई मूलतः यह लगभग गारंटीशुदा लड़ाई होनी चाहिए थी अंत में वास्तव में एक दुर्घटना घटी इस बार की लड़ाई में यान शान की ताकत अप्रत्याशित रूप से बहुत बढ़ गई इसके अलावा उसने एक अजीब शक्ति भी विकसित की नालंचू इस बल से प्रभावित हुआ और अंत में उसे पीट पीट कर गंभीर चोटें आई सुनक्यूई से कहने से पहले मेहर काफी देर तक चुप रहा इन दोनों गुटों के शीर्ष शीर्षदस्त कुल बीस लोगों को ले लो एक सूची बनाओ और मुझे दे दो संक्यूई की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि मेहर क्या करना चाहता है उसने झट से कहा भगवान मिहिर एक जोड़ी मुठ्ठियों का चार हाथों से कोई मुकाबला नहीं है मुझे पता है कि मिलौड़ की ताकत शक्तिशाली है अगर यह अन्य लोग हैं तो ठीक है लेकिन यान शान और बाई बाईमेन एक साथ हेवनली हेडोनिस्ट के आदेश के तहत हैं उनकी ताकत अथाह है विशेषकर बाई बाईमेन वह तीसरे स्तर का भी नंबर एक पावर हाउस है उसकी ताकत कितनी महान है कोई नहीं जानता मुझे सूची दो मिहिर ने कुछ भी नहीं बताया और बस शांति से कहा संक्यूई का दिल ठंडा हो गया और उसे पता चला कि मिहिर ने पहले ही अपना मन बना लिया है चाहे उसने कितना भी आग्रह किया हो वह भी पहले से ही बेकार था संक्यूई ने घबराने की हिम्मत नहीं की और मिहिर को केवल बीस लोगों की यह नाम सूची ही दे सका मिहिर ने नाम सूची ली और सीधे लड़ाई के मैदान में आ गया मैं असुर मोर को सक्रिय करना चाहता हूं यह वह नाम सूची है जिसे मैं चुनौती देना चाहता हूं मिहिर को लड़ाई के मैदान का प्रभारी मिला एक अधेड़ उम्र का आदमी जो भूरे रंग का लबादा पहने हुए था मिहिर ने उसे नामों की सूची सौंपी भूरे रंग का लबादा पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति तीसरे स्तर के युद्ध क्षेत्र के मामलों का प्रभारी था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि मिहिर कौन था लेकिन जब उसने सुना कि मिहर असुर मोर को सक्रिय करना चाहता है तब भी वह डर गया क्या आप असुर मोर को सक्रिय करने के परिणामों को जानते हैं अधेड़ उम्र के आदमी ने गंभीरता से पूछा मिहिर ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं मैंने अभी तक तीसरे स्तर में एक भी मैच नहीं लड़ा है इसलिए मेरी रैंकिंग बहुत पीछे होनी चाहिए नाम सूची में सभी शीर्ष एक सौ मार्शल कलाकार हैं मेरे पास चुनौती देने की योग्यता होनी चाहिए असुर क्षेत्र में असुर मोर को सुसाइड मोर के रूप में जाना जाता था मार्शल कलाकार जिन्होंने असुर मोर को सक्रिय करने का प्रस्ताव रखा था वे केवल अपने से उच्च रैंक वाले लोगों को ही चुनौती दे सकते थे चुनौती देने वाले लोगों की संख्या बीस से कम नहीं होनी चाहिए असुर मोर को चुनौती देने को सफल मानने से पहले और अगले में आगे बढ़ने के लिए सीधे योग्यता प्राप्त करने से पहले किसी को इन सभी बीस लोगों को चौबीस घंटों में मारना होगा जो कि एक दिन के भीतर भी था स्तर यदि किसी ने निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया तो उन्हें असुर अखाड़े द्वारा सीधे हटा दिया जाएगा यह असुर अखाड़े के भीतर एक नियम सम्मोहक वध था जिन्हें चुनौती दी जा रही थी उन्हें चुनौती तुरंत स्वीकार करनी थी और किसी भी कारण से इनकार नहीं करना था आमतौर पर अगर गहरी नफ़रत न होती तो कोई भी असुर मोर को सक्रिय करने का प्रस्ताव नहीं रखता बेशक दुर्जे ताकत वाले कुछ रक्तपिपासू लोग जो जल्द से जल्द अगले स्तर तक आगे बढ़ना चाहते थे साथ ही पर्याप्त वध अवधारणा को इकट्ठा करना चाहते थे वे भी इस मोर को सक्रिय करेंगे हालांकि असुर क्षेत्र में इस मिशन को पूरा करने में सक्षम लोग बेहद कम थे इन तीस हजार वर्षों में केवल मात्र दो लोगों ने ही असुर मोर को पूरा किया और इन दोनों लोगों ने जिन मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती दी वे बिना किसी अपवाद के केवल उनसे बीस स्थान ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट थे जो लोग असुर अखाड़े में जीवित बचे वे सभी साधारण लोग नहीं थे बीस रैंकों के बीच लड़ाई की चाहत एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला था भले ही किसी के पास वास्तव में वह ताकत हो जो एक दिन के भीतर 20 विरोधियों को मारना चाहता हो उसकी मूल ऊर्जा इसका समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थी आमतौर पर जो लोग असुर असुरमोड़ को सक्रिय करते हैं उनमें गहरी नफरत होती है और वे दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतारने पर तुले होते हैं इसके अलावा यह ऐसी परिस्थितियों में था जहां दूसरे पक्ष ने चुनौती स्वीकार नहीं की क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां ताकत में अंतर बड़ा नहीं था युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंद्वी को मारना बहुत मुश्किल था जब तक दूसरा पक्ष हार मान लेता तब तक यह जारी नहीं रह सकता दुश्मन को मारना चाहते हैं तो इस तरह के डेथ मैच का ही इस्तेमाल किया जा रहा है अंक जुए की लड़ाई के लिए दूसरे पक्ष को चुनौती को अंजाम देने से पहले स्वीकार करना आवश्यक होता है इसलिए यह असुर मोड़ उन लोगों के लिए एकमात्र रास्ता था जिन्होंने एक अपूरणीय द्वेष बना लिया था बेशक आमतौर पर किसी को इसकी कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ती है भले ही आपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला हो भूरे वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नाम सूची पर नजर डाली उसकी अभिव्यक्ति बदलने में मदद नहीं कर सकी क्योंकि उसने मिहिर से कहा मिहिर मुझे पता है कि आपकी ताकत सभ्य है लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि आप यान को चुनौती देना चाहते हैं शान और बाई में वे दोनों उनकी ताकतें शायद आपकी ताकत से कम नहीं हैं यदि आप उन्हें चौबीस घंटों के भीतर मारने में असमर्थ हैं तो आप सीधे असुर अखाड़े द्वारा मिटा दिए जाएंगे मिहिर ने शांत स्वर में कहा क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूं शुरू हो जाओ भूरे लबादे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति कई बार बदली लेकिन आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली घुमा और चला गया मिहिर ने असुर मोड़ सक्रिय किया हुआ जून वान जिहिंग यान शान बाई मिंग तीसरे स्तर के आकाश में एक मधुर महिला आवाज सुनाई दी जिससे तुरंत हंगामा मच गया किसी ने असुर मोड़ सक्रिय कर दिया है किसी ने असुर मोड़ सक्रिय कर दिया मिहिर मिहिर कौन है तुम्हारी खबर भी बहुत बेतुकी है मिहिर इन दिनों पहले स्तर और दूसरे स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं वह एक दुर्जेय व्यक्ति है जिसने सीधे पहले स्तर में सफाया कर दिया और दूसरे स्तर में लिंकिंग को बेरहमी से कुचल दिया पहले और दूसरे स्तर पर असाधारण होने के कारण क्या वह तीसरे स्तर पर पहुंचकर भी असाधारण हो सकता है लिंकिंग तीसरे स्तर पर रखे जाने पर भी शीर्ष सौ में शामिल नहीं हो सकता इस लड़के ने अपना दिमाग खो दिया है है ना ए आप सुनिए वह यान शान को चुनौती देना चाहता है दी बाई पागल यह आदमी बिल्कुल पागल है किसी के द्वारा असुर मोड़ को सक्रिय करना शुरुआत में एक बड़ी खबर थी लेकिन इस व्यक्ति ने वास्तव में तीसरे स्तर के नंबर एक व्यक्ति को सीधे चुनौती दी यह तो और भी अधिक विस्फोटक प्रमुख समाचार था एक ही बार में पूरे तीसरे स्तर पर हंगामा मच गया उन सभी मार्शल कलाकारों ने मामला अपने हाथ में ले लिया और सभी एक एक करके लड़ाई के मैदान में दौड़ पड़े इस प्रकार का महायुद्ध कोई सामान्य घटना नहीं थी तीसरे स्तर पर एक रेस्तरा के अंदर कई लोग शराब के बड़े कटोरे पी रहे थे और बड़े कौर में मांस खा रहे थे एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी हुआ जून कोई तुम्हें चुनौती देना चाहता है असुर मूर्ख सकसक तुम्हें सावधान रहना होगा हुआ जून की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत हंसने लगा और बोला यह मूर्ख कहां से आ गया जो इस समय जीने से थक गया है बॉस शराब की इस मेज को इस भगवान के लिए बचाकर रखें जब तक मैं उस अंधे बदमाश को मार न दूं तब तक रुको मैं वापस आऊंगा और शराब पीता रहूंगा एक शीर्ष स्तरीय साधना कक्ष के अंदर वानजहेंग ने यह सुखद ध्वनि सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से साधना कक्ष से बाहर चला गया एक कमरे के अंदर एक पुरुष और एक महिला मांस से मांस की महान लड़ाई कर रहे थे तभी एक सुखद ध्वनि गूंजी भगवान इस पर लानत है क्या नितंब हैं जाओ किनारे जाओ तब तक प्रतीक्षा करो जब तक यह भगवान उस अंधे बदमाश को मार न दे मैं वापस आऊंगा और जारी रखूंगा उस आदमी ने महिला को एक पैर से लात मारकर कोने में गिरा दिया और तेजी से अपने कपड़े पहनकर दरवाजे से बाहर निकल गया तीसरे स्तर के हर कोने में यही हुआ जब इन लोगों ने संबंध सुना तो उन सभी ने इसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की एक एक करके लड़ाई के मैदान में भाग गए एक घंटे का छोटा सा समय और तीसरे स्तर का युद्ध क्षेत्र लोगों से खचाखच भर गया युद्ध क्षेत्र के मध्य में एक युवक अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था वह फिलहाल अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था और चुपचाप अपने विरोधियों के आने का इंतजार कर रहा था अरे तुम सबको पता चला या नहीं यह मिहर जिन विरोधियों को चुनौती दे रहा है वे सभी एक साथ हेवनली हेडोनिस्ट और एक साथ ब्लेजिंग फायर इन दो लोगों के शिविरों में हैं क्या आपको यह कहने की जरूरत थी लेकिन इस लड़के के सिर में एक समस्या जरूर है भले ही वह इन दो शक्तिशाली महानुभावों के शिविरों को चुनौती दे रहा हो उसे निचोड़ने के लिए नरम खुरमा भी चुनना चाहिए आप उन लोगों को देखें जिन्हें वह चुनौती दे रहा है सभी पावर हाउसों को पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा के शीर्ष सौ में स्थान दिया गया है इस लड़के में अभी भी कुछ क्षमता है उसने कथित तौर पर लिंग किंग को तब तक हराया जब तक कि वह दूसरे स्तर पर अपना सिर नहीं उठा सका तो क्या हुआ लिंग क्विंग की रैंकिंग महज एक स्थान के आसपास है पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा के शीर्ष सौ मार्शल कलाकार एक स्थान से कहीं अधिक मजबूत हैं भले ही इस लड़के के पास पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा की शीर्ष सौ ताकत भी हो क्या वह एक दिन के भीतर इन बीस लोगों को मार सकता है मेरी राय में यह लड़का वास्तव में सुसाइड मोर को सक्रिय करने के लिए जीवित रहकर थक गया है आप क्या जानते हैं मैंने सुना है कि इस लड़के का दानव राजा के साथ कुछ दोस्ताना रिश्ता है क्या आप नहीं जानते कि दानव राजा को कई दिन पहले यान शान ने बुरी तरह पीटा था यह लड़का निश्चित रूप से दानव राजा से बदला लेने के लिए यहां है लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी लेकिन लड़ाई के मैदान के अंदर पहले से ही चर्चाओं का शोर मच रहा था चाहे मेहर ऐसा किसी भी कारण से कर रहा हो असुर मोर को सक्रिय करना भी आत्महत्या करने से अलग नहीं था यान शान पहले ही आ चुका है उसने मेहर की ओर देखा उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडे उपहास का संकेत लटका हुआ था ठीक इसी समय युद्ध क्षेत्र में हलचल मच गई सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक धीरे धीरे लड़ाई के मैदान में उतरा यह बाई बाईमेंग है इस बार वे कुछ महीनों के लिए एकांतवास में चले गए अभी उसकी ताकत शायद और भी अधिक अथाह है है ना वे सभी चर्चा कर रहे हैं कि अगली बार जब पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा सामने आएगी तो बाई बाईमेंग शायद शिखर पर पहुंच जाएगी पता नहीं मेहर में बाई मेंग को चुनौती देने का साहस कहां से आया इस प्रकार की आत्महत्या शैली सचमुच बहुत वीरतापूर्ण है बेईमेंग की उपस्थिति ने काफी सनसनी फैला दी वह पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा में तीसरे स्थान पर और असुर एरिना के तीसरे स्तर पर पहले स्थान पर रहे उसकी शक्ति अतुलनीय दुर्जय थी भले ही किसी ने असुर मोड़ सक्रिय कर दिया हो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि जाकर उसे चुनौती दे सके फिर भी मेहर ने ऐसा किया सबकी नजरों में वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख था बाई मेग की ताकत लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई थी भले ही मेहर के युद्ध परिणाम गौरवशाली रहे फिर भी उसका स्थान लेना संभव नहीं था इसके अलावा असुर मोर के तहत क्या मेहर बाई मेंग को देखने के लिए जीवित रह सकता था या नहीं यह चर्चा के लायक विषय था यान शान ने बाई मेंग की ओर देखा उसकी आंखों में कुछ भय भी दिख रहा था जाहिर है वह बेईमेंग से अविश्वसनीय रूप से सावधान था दानव राजा की ओर से बदला लेने के लिए मेहर ने यान शान को चुनौती दी यह उचित था लेकिन बाई मेग को चुनौती देना पूरी तरह से मौत की मांग करना था जिन लोगों को चुनौती दी जा रही थी वे सभी सामने आ गए भूरे रंग का लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी लड़ाई के मैदान के केंद्र में आया और अपना मुंह खोलकर बोला मेहर असुर मोर को चुनौती दे रहा है यह आधिकारिक तौर पर अब शुरू होता है पहली लड़ाई हुआ जून हुआ जून चकित भाव से मेहर के सामने आई और ठंडी मुस्कान के साथ बोली लड़के तुम सच में नहीं जानते कि स्वर्ग कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी मोटी है आज आपके दादाजी हुआ आए और आपको सिखाएं वुआ जून आधी बात कर रही थी तभी मेहर के हाथ में प्रकाश की एक धारा चमकी और गायब हो गई हुआ जून की आवाज अचानक बंद हो गई अगला मेहर की बेपरवाह आवाज किसी मृत्यु देवता के श्राप की तरह सुनाई दे रही थी जिससे मार्शल कलाकारों के पूरी तरह से कब्जे वाले क्षेत्र में ठंडक महसूस हो रही थी टोंटी ताजा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा हुआ जून को अभी तक पता नहीं चला था कि क्या हो रहा है और वह पहले ही राजा यम से मिलने चला गया यह सब जोड़ने पर यह एक सेकंड से भी कम था यह तलवार प्रकाश के समान तीव्र थी सभी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्हें यह भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेहर ने वास्तव में हो लोग नहीं कहा और सीधे लोगों को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली बहुत अनुचित बहुत अहंकारी एक धमाके के साथ हुआ जूम जमीन पर गिर पड़ा और उसने अंतिम सांस ली और अपने पीछे केवल खून जैसा फव्वारा छोड़ गया जो अब भी बेथाशा बह रहा था गुंगा एसेस एक बार जब असुरमोड़ शुरू हो जाता है तो वह जीवन और मृत्यु का मैच होता है वास्तव में उसके पास अभी भी उस बदमाश के साथ बकवास करने का समय था यान शान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा मेहर की एक हिट निश्चित मार के संबंध में यान शान को कोई आपत्ति नहीं थी हुआ जून के स्तर पर किसी को मारना वह भी ऐसा ही कर सकता था अगला वान वानजहेंग भूरे रंग का लबादा पहने अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी बर्फीली ठंडी बिना किसी जरा भी भावना के लेकिन उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की एक झलक अभी भी झलक रही थी अन्य लोग आर पार नहीं देख सकते थे लेकिन उसने इसे समझ लिया मेहर की पहले की यह चाल कोई शानदार मार्शल तकनीक नहीं थी बल्कि अकल्पनीय दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला तलवार चलाने की तकनीक थी दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं के लिए तलवार चलाने की तकनीक बहुत शानदार नहीं मानी जाती थी लेकिन मेहर ने पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा के शीर्ष सौ विशेषज्ञ को बिना अधिक प्रयास के कुशलतापूर्वक मार डाला इसके लिए कितनी शक्तिशाली नींद की आवश्यकता थी जिस तरह से भूरे लबादे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इसे देखा मेहर ने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए सबसे अधिक प्रयास बचत और प्रभावी तरीका चुना इससे यह भी संकेत मिलता है कि मेहर का युद्धों पर नियंत्रण अत्यंत सटीक था ऐसा शत्रु सचमुच बहुत भयावह था जैसे ही वान वानजहेंग ने मैदान संभाला मेहर अचानक भड़क उठा और उसकी ओर मुक्के से हमला करने लगा वान वानजहेंग की अभिव्यक्ति बदल गई बिना यह सोचे कि उसने हाथ उठाया तो यह हथेली थी बूम वान जेहेंग को बेरहमी से उड़ते हुए भव्य सरणी पर पटकते हुए कुचल दिया गया और फिर उसने सांस नहीं ली अगला मेहर की आवाज अभी भी किसी प्राचीन कुएं की तरह लहरहित थी उसमें भावना का जरा भी संकेत नहीं था लेकिन चाहे आसपास के मार्शल कलाकार हों या चुनौती दिए जा रहे लक्ष्य हों वे सभी मुस्कुरा नहीं सके अगर मान लें कि हुआ जून के लिए अभी भी एक आश्चर्यजनक हमले का संदेह था तो वान जेहेंग एक फ्रंटल डाई थी मेहर ने सीधे तौर पर वान वानजहेंग को पूर्ण अत्याचारी ताकत से नष्ट कर दिया उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेहर वास्तव में इस हद तक डरावना है अगला काओ चेन अगला भूरे वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक के बाद एक नाम की घोषणा की इन लोगों की ताकत एक दूसरे से अधिक मज़बूत थी लेकिन मेहर के हाथों उनकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति भी तीन चालों से आगे नहीं बढ़ पाई टी बहुत मजबूत यह लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है वे सभी पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा के शीर्ष विशेषज्ञ हैं वे वास्तव में मेहर के हाथों तीन चालों तक भी टिक नहीं सकते किसने पागलपन से कहा कि यह लड़का यहाँ आत्महत्या करने आया था यह आदमी स्पष्ट रूप से स्वयं हत्या करने वाला देवता है ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट सभी अतुलनीय रूप से हैरान थे उन महान हस्तियों को एक एक करके गिरते हुए देखकर उनके दिल बार बार कांप रहे थे और वास्तव में वे अब सांस नहीं ले पा रहे थे जबकि उन चुनौती लक्ष्यों को अभी तक नहीं बुलाया गया था उनमें से प्रत्येक का चेहरा अतुलनीय रूप से बदसूरत हो गया था उनके स्तर तक पहुंचने में भला कौन पत्थर का दिल नहीं होगा लेकिन जिन लोगों की ताकत लगभग उनके जैसी ही थी उन्हें एक एक करके गिरते हुए देखना उस तरह का प्रभाव अभी भी बहुत तीव्र था वे डरते थे मिहिर की हत्या की अतुलनीय दबंग पद्धति ने उनमें से प्रत्येक को भयभीत कर दिया अगला गो जिमिन बुलाए जाने पर गो जमीन बिना किसी तुक या कारण के कांपने लगा और वास्तव में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की अगला गो जिमीन गो जिमीन की अर्थ कार्नेज उद्घोषणा रैंकिंग तिरपनवां स्थान थी सन सनक्यू के समान ही यह पहले से ही स्वर्ग ज्ञानोदय लोगों के बीच एक बहुत ही प्रभावशाली अस्तित्व माना जाता था लेकिन इतने शक्तिशाली मेहर का सामना करते हुए वास्तव में उसकी एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई केवल यह देखने के लिए कि वह हर तरफ काँप रहा था एक पैर भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था अगला गो जिमीन दस सांसें बीतने के बाद भी अगर आप मंच पर नहीं उतरेंगे तो आपको मिटा दिया जाएगा घूरे लबादे वाले अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज तीसरी बार सुनाई दी गो जिमिंग कांप उठे और अनजाने में एक कदम आगे बढ़ गए बात सिर्फ इतनी थी कि इस एक कदम के बाद भी उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई टकराना दस सांसों के बाद गो जिमिंग का पूरा शरीर उड़ गया बहुत स्पष्ट रूप से वह सीधे तौर पर असुर अखाड़े द्वारा नष्ट कर दिया गया था यह नजारा देखकर लोगों के हावभाव और भी भद्दे हो गए मारा जाना डरावना नहीं था लेकिन मारे जाने की प्रतीक्षा करने की यह भावना गंभीर रूप से बहुत कष्टदायक थी अगला क्यूई हाव भूरे लबादे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा जरा भी नहीं बदला और अगला नाम पुकारता रहा क्यूई हाव की अभिव्यक्ति गहरी हो गई गो जमीन की दयनीय स्थिति को देखकर उसने जानबूझकर अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और छलांग लगाकर मेहर के सामने पहुंच गया मेहर का इरादा बकवास करने का नहीं था जिस क्षण उसने अपनी चाल चली यह तलवार चलाने की तकनीक थी क्यूई हाव की ताकत वह नहीं थी जिसकी तुलना हुआ जून कर सकती थी उसकी आकृति चमक उठी और वह सीधे इस तलवार से बच गया झपट्टा मारना झपट्टा झपट्टा मारना जपत्ता मारना एक हमले के बाद क्यूई हाओ ने मेहर के संपर्क में आने से पूरी तरह इनकार कर दिया उसने जानबूझकर मेहर से दूरी बना ली ताकि मेहर को कोई ऐसा मौका न मिले जिसका फायदा उठाया जा सके बहुत स्पष्ट रूप से वह समय में देरी करने के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग करना चाहता था हम्फ यदि मैं तुमसे सीधे युद्ध नहीं करूंगा भले ही तुम्हारी शक्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो तो तुम मेरा क्या करोगे क्यों ही हाउ मन ही मन ठंडी हंसी हंसा लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भाव तुरंत जम गए मेहर के मूल चुंबकीय क्षेत्र के तहत उसकी आकृति अचानक निस्तेज हो गई उसके बाद वह जीवित नहीं रहे मेरी मेहर की हत्या करना चाहते हो भाई तुम्हें मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा मेहर के शब्द हत्या के इरादे से उबल रहे थे जिससे हर कोई कांप उठा लड़ना उसका मुकाबला नहीं भाग रहे हैं भागने के लिए कहीं नहीं बाई बाईमेंग और यान शान के अलावा बाकी लोगों की निगाहें मेहर की ओर निराशा से भरी हुई थीं। नालनचू लाइन को घेरते हुए कमोबेश उन सभी ने इसमें भाग लिया बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि परिणाम इतने गंभीर होंगे वे लड़ाई के मैदान से भाग जाना चाहते थे लेकिन एक बार असुर मोड़ सक्रिय हो जाने पर बचने का कोई भी साधन काम नहीं करेगा या तो किसी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला या अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा गया उसके बाद के विरोधी चाहे वे पूरी तरह से टूट गए हों या परेशान होकर हताश कदम उठाने लगे हों मेहर के सामने वे सभी मिट्टी के मुर्गे और मिट्टी के कुत्ते थे अंतक अठारह लोग पहले ही मारे जा चुके थे अगला यान शान होने वाला था लोग जानते थे कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी यान शान धीरे धीरे रैंक से बाहर हो गया और मिहिर से शांति से कहा ब्रैट मैं मानता हूं कि तुम बहुत सक्षम हो लेकिन उन कूड़ेक्षरे को खुद करके दिखावा करने लायक कुछ भी नहीं है पृथ्वी नरसंहार उद्घोषणा के शीर्ष दस के सामने सब कुछ व्यर्थ है हिसाब के लिए तैयार हो जाओ मिहिर ने उसे शांति से देखा और कहा राक्षस राजा आपके द्वारा घायल हो गए थे अरे वह मूर्ख अपनी ही काल्पनिक दुनिया में जी रहा है और फिर भी सोचता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता अब वह मेरी गहन अंधेरी शक्ति द्वारा तब तक सताया जाता है जब तक वह लगभग मर नहीं जाता ठीक है भाई क्या तुम बहुत क्रोधित हो क्या तुम मुझे बहुत मारना चाहते हो हाँ 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 निश्चिंत रहो मैं तुम्हें भी उसकी तरह तड़प कर मरवा दूंगा बात करते करते यान शान अपने आप से और अधिक प्रसन्न हो गया और अंत में हंस पड़ा इसी समय ग्रैंडस्टैंड से आवाज आई आपको निराश करने के लिए क्षमा करें मुझे डर है कि आज जो मर रहा है वह तुम हो यान शान की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने अविश्वास में आवास के मालिक की खोज की दरअसल उन्होंने नालंचू को सुनक्यूई के समर्थन में स्टैंड पर दिखाई दिया वह कैसे संभव है मेरी गहन अंधेरी शक्ति अतुलनीय रूप से गूढ़ है कैसे आप अभी भी कैसे खड़े हो सकते हैं यान शान को अपनी गहन डार्क फोर्स पर बहुत भरोसा था एक बार जब यह दूसरे पक्ष के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह लगातार दूसरे पक्ष के आंतरिक अंगों को नष्ट कर देता है जब तक कि यह दूसरे पक्ष के शारीरिक कार्यों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता दानव राजा कई दिनों तक इसकी चपेट में आ चुका था तार्किक रूप से कहें तो उसे अभी लगभग मर जाना चाहिए वह संभवतः यहां कैसे प्रकट हो सकता है दूर से देखने पर दानव राजा के चेहरे पर कुछ पीलेपन के अलावा कोई भी मुद्दा अनुचित नहीं लग रहा था गहन अंधेरी शक्ति वह क्या है जब तक उसकी एक सांस बाकी है उसे बचाना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मिहिर ने तिरस्कारपूर्वक कहा यान शान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा क्या ऐसा है मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं गहरे गहरे नीदर स्वप्न को मार डालो एक हथेली मेहर की ओर बढ़ी जो देखने में धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में यह चरम सीमा तक तेज थी मिहिर ने पहले ही दानव राजा के शरीर के भीतर मौजूद गहरी काली शक्ति को खत्म कर दिया था और वह स्वाभाविक रूप से इस ताड़ कला की शक्ति से अवगत था इस हथेली तकनीक के भीतर अत्यंत शक्तिशाली छिपी हुई शक्ति निहित थी इससे बचाव करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था हालांकि मिहिर को डरने की कोई बात नहीं थी उनका वॉयड ड्रैगन शैडो पंच अत्यधिक अदमययान था यह इस प्रकार की कोमल यिन हथेली शक्ति का दोष था यदि यान शान चरणहीन क्षेत्र होता तो मिहिर को वास्तव में कुछ भय होता लेकिन वह केवल स्वर्ग ज्ञानोदय क्षेत्र था मिहिर को डरने की कोई बात नहीं थी टकराना मुठ्ठिया और हथेलियां आपस में भिड़ गईं यान शान को सीधे कई दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने भयभीत होकर कहा झलकदार सर्वोच्च सच्चा इरादा आपका झुलसा देने वाला सर्वोच्च सच्चा इरादा केवल प्रथम चरण है यह संभवतः मेरे प्रोफाउंड डार्क नेदर ड्रीम केल से अधिक मजबूत कैसे हो सकता है मिहिर ने ड्रैगन लहर और सर्वोच्च सच्चे इरादे को एक साथ जोड़ दिया इसे एक प्रतिमान की शुरुआत का अग्रदूत कहा जा सकता है यान शान का न पहचानना भी सामान्य था ये दो चीजें एक साथ जुड़ना इतना आसान नहीं था जितना एक और एक दो के बराबर होता है बहुत हैरान चूंकि तुम इसे एक मुक्के से नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम समझ न जाओ मिहिर ने हल्की सी चीख निकाली मूल चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया ड्रैगन वेव और चिलचिलाती सर्वोच्च सच्ची मंशा भी सीमा तक घूमती है इस बार उसने सारी कसर निकाल ली ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड के पिनिंग के साथ ऐसा लगा जैसे यान शान एक दलदल में डूब गया हो यहां तक कि सार ऊर्जा परिसंचरण भी अब उतना सुचारू नहीं था मेहर की मुट्ठी की परछाइयां बारिश की बूंदों की तरह गिरी यान शान के पास भागने की कोई जगह नहीं थी और वह केवल निष्क्रिय रूप से हमलों का सामना कर सकता था यान शान की हथेली की शक्ति जिस पर निर्भर थी वह छिपी हुई शक्ति थी यह पहली बार में इस तरह के सामने संघर्ष के लिए उपयुक्त नहीं था और बार बार मेहर की मुट्ठी के नीचे पीटा गया था टकराना 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 यान शान की ताकत वास्तव में अतुलनीय रूप से दुर्जय थी मेहर के बेथाशा हमलों के तहत वह वास्तव में अभी भी मुश्किल से टिक सका और पराजित नहीं हुआ यदि यह कुछ अन्य लोग होते तो उन्हें बहुत पहले ही पीसकर कीमा बना दिया गया होता सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के की ताकत वास्तव में इतनी जबरदस्त होगी वास्तव में सामने वाले मूर्खों ने उसकी आधी ताकत भी नहीं लगाई ऐसा लगता है कि उस कदम का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है हालांकि इसका उपयोग करने के बाद मुझे जीवन शक्ति की भारी हानि होगी यह मरने से बेहतर है यान शान ने गुप्त रूप से विचार किया मेहर इस समय इस बर्दस्त बम्बारी कर रहा था कि तभी अचानक चेतावनी की घंटियां बजने लगी उसके हृदय में अत्यधिक खतरे की भावना उमड़ पड़ी फाड़ना एक रोशनी चमकी मेहर की छाती के सामने कपड़ों की एक पट्टी रिबन में कटी हुई थी मेहर ने पीछे हटने वाली ताकत पर भरोसा किया और इस हमले से बाल बाल बच गया क्या हुआ यान शान की आभा में अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया उसकी ताकत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई तुम लोग उसके हाथ को देखो इससे वास्तव में नुकीले पंजे निकले हे भगवान यान शान एक राक्षस में कैसे बदल गया जो न तो कोई इंसान है और न ही कोई भूत वर्तमान में यान शान की दोनों आंखों में लाल रंग दिखाई दे रहा है वास्तव में उसके मुंह से दांतों का एक जोड़ा निकला उसके चारों अंग उभरे हुए थे उसके हाथ पंजे बन गए थे वह शक्ल बिल्कुल इंसान के आकार के तेंदुए जैसी थी हालांकि वह ऐसा बन गया उसके पूरे व्यक्तित्व की आभा एक साथ कई गुना मजबूत हो गई जिससे लोगों को अविश्वसनीय खतरे का एहसास हुआ बदबूदार लड़के वास्तव में अपने अंकल यान शान को इस हद तक मजबूर करना इसका अच्छे से स्वाद लो अरे बदमाश यान सईद ने बेहमी से कहा यान शान की आकृति हिल गई उसका पूरा व्यक्तित्व सबकी दृष्टि से उछल हो गया वह वास्तव में अकल्पनीय रूप से तेज था टकराना थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना मिहिर ने यान शान को पटकते हुए एक मुक्का मारा लेकिन इस बार यह मिहिर ही था जिसे जबरदस्त रिकॉयल फोर्स ने बहुत दूर उड़ा दिया मूल चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में यान शान की गति को रोकने में असमर्थ था उतरने के बाद मिहिर ने हल्की सी आह भरी और ठंडे स्वर में कहा पता चला कि यह ओल्ड फ्रीक वे का प्रायोगिक विषय है लेकिन आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयोगों में कुछ सफलता मिली है यान शान फ़िलहाल खुद से खुश था जब उसने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर तेजी से बदलने से नहीं रह सकी आप, आपको कैसे पता चला मेहर ने यान शान की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा मैं जो जानता हूं वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है आपकी शक्ल सूरत को देखते हुए आपको थाउजेंड माइल क्लाउड चेजिंग लिपर ब्लडलाइन प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए था बात बस इतनी है कि रक्तधारा की ताकत को देखते हुए आप में अभी भी बहुत कमी है समझ में आता है तुम्हारे जैसा कचरा प्रथम श्रेणी के रक्त के साथ जुड़ना भी बर्बादी है मेहर ने आत्मविश्वास और संयम के साथ बात की और यान शान के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की जैसे कि वह किसी दोषपूर्ण उत्पाद को देख रहा हो यान शान को उसके दिल में अतुलनीय झटका लगा लेकिन मेहर की बातों ने उसके घमंड को गहरी चोट पहुंचाई सच है उसकी ताकत के साथ उस बूढ़े संकी को उसके अंदर प्रथम श्रेणी का रक्तपात स्थापित करने देना बिल्कुल अपर्याप्त था अनुमान लगाना बंद करो मेरी हजारों मील क्लाउड चेजिंग तेंदुए की रक्तरेखा आप जैसे नौसिखिए को मारने के लिए काफी है यान शान ने हिंसक गुस्से में कहा मेहर ने अपना सिर हिलाया और भावनात्मक आह भरते हुए कहा चूंकि आप रक्तरेखा शक्ति के साथ जुड़ गए हैं तो मैं आपको उस पर एक नजर डालने दूंगा जिसे वास्तविक राजा रक्तरेखा शक्ति कहा जाता है जैसे ही वह बात कर रहा था मेहर की आभा आसमान तक फैल गई मार्शल आर्टिस्टों के हाव-भाव सभी बदल गए यह ऐसा था जैसे उन्होंने ड्रैगन की दहाड़े सुनी हों